webinar yesterday. Very good webinar. Number of issues were raised. We are going to keep showing them to you. I won't talk much. I won't summarize them, but they'll be shown to you in the slide next that we are showing us now, in a set of slides throughout the webinar so that you can take a look at them. I would urge all the participants to please address some of these questions. ये जो आपको दिखा रहे हैं, this is a summary from yesterday's webinar, जिसमें परवेज उद्भव थे, जिसमें थे क्या कहते हैं, I'm having a blank moment. We had परवेज उद्भव, we had a couple of other people, names will come to me soon, but we had these three people talking about HEC issues, and we discussed a number of things. तो ये आपके सामने हैं. उन लोगों ने कहा कि एच ई सी के बड़ी फंक्शंस हैं जो कि खत्म करनी चाहिए. एच ई सी ओवर सेंट्रलाइजेस थिंग. एच ई सी ट्राइज टू मेक यूनिवर्सिटीज इनटू अ यूनिवर्सिटीज विच इज अ वेरी डाइवर्स एक्टिविटी. यूनिवर्सिटी तो वैसे बाय नेचर इंसान की सबसे डाइवर्स एक्टिविटी है और सबसे कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है. उसको यूनिफॉर्म कुकी कटर में डालना, जैसे कि मुझे बड़ी मायूसी होती है. हर यूनिवर्सिटी का सेनेट और सिंडिकेट होता है, मुझे नहीं समझ आती क्यों होता है. हर यूनिवर्सिटी के अक्रेडिटेशन एक ही तरीके से होती है. एनीवेज, दीज आर ऑल द इश्यूज दैट यस्टरडे केम अप, सो वी हैव समराइज देम फॉर यू. तो आपके पास मैं चलता हूँ जल्दी से. हमारे साथ आज तीन एमिनेंट स्पीकर्स हैं, दो वाइस चांसलर्स और एक फॉर्मर एच ई सी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब अरशद अली साहब हैं, प्रोफेसर अरशद अली. ये हमें अमरीका से ज्वाइन कर रहे हैं, बट ही नोज एच ई सी वेरी वेल, सो ही इज देयर माशाल्लाह. We've got Shehnaaz Wazir Ali, a prominent politician, a prominent educationist, and now the president of Zabist. I'm glad to see the term president somewhere. I'm sick of vice chancellor. But then we've got Shahid Kardar with a traditional title called vice chancellor, which again, I don't know why he's a vice chancellor, but nevertheless, Shahid, you should be president too. Okay, so modernize yourself a little. Okay. So anyways, we've got a great webinar. I would suggest that ये जो पॉइंट्स हमें कल देखे थे, जरा इन पर गौर करें. और मेरी आपसे सिफारिश सिर्फ ये है, या सिफारिश तो नहीं, क्वेश्चन सिर्फ ये है. क्वेश्चन ये है कि सब मुल्क में पांच एचीसी बनी हुई है. एक तो वी आर लिविंग इन द लैंड ऑफ रूल ऑफ फाइव. जो सेंटर में होगा वो प्रोविंस में भी कॉपी होगा. तो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी भी पाँच हैं, बी वाई भी पाँच हैं, एचीसी भी पाँच हैं, और पता नहीं हमने क्या क्या कुछ पाँच बनाना है. पर खैर, तो एक बात सोचने वाली है कि एच ई सी की अब जरूरत भी है कि नहीं. अगर जरूरत है तो वो एच ई सी है जो टेस्ट करेगी, जो रेगुलेट करेगी, जो ये करेगी वो करेगी. तो लेट्स स्टार्ट. आई डोंट वांट टू स्पीक मच, आई वांट टू हियर योर व्यूज, वी लर्न फ्रॉम यू. तो लेट्स बिगिन विद प्रोफेसर अरशद अली साहब. आई वुड अर्ज एवरीवन कि अगर शुरू में पाँच मिनट की बात करें तो वी कैन हैव अ क्विक, वी कैन हैव द इंटरेक्शन, मच मोर इंटरेक्शन. तो अरशद साहब, जरा बताइए कि एच ई सी की फंक्शंस क्या हैं और क्या होनी चाहिए, जरा जल्दी से हमें यह आगाह कर दें. Then we'll move forward. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum, Madam Shana Sahab, Shahid Kardar Sahab, and Nadeem Sahab. So it is lovely meeting you after some time, and it is pleasure to be with the eminent personalities like all of you. सबसे पहले, this is my personal point of view, maybe different from others. मेरे ख्याल में the concept with which HEC was established, that was very good. क्योंकि जिस वक्त HEC establish किया गया था, अगर आप उस वक्त के universities के problems देखें, तो universities में there were hardly number of PhDs, अगर आप देखें in the faculty. और फिर उसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज की फंडिंग की सिचुएशन थी, दैट वाज एक्सट्रीमली पुअर. और फिर देयर वाज हार्डली एनी फोरम वेयर वाइस चांसलर्स कुड गो एंड टॉक टू समबडी एट द सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट द इश्यूज. सो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए एच ई सी एस्टेब्लिश किया गया था. और एच ई सी का बुनियादी रोल फैसिलिटेशन का था. लेकिन हमारे मुल्क में जिस तरीके से होता है कि हमारी इवन ब्यूरोक्रेसी भी बुनियादी तौर पे उनका जो फंडामेंटल रोल है वो तो फैसिलिटेशन का है, लेकिन
वो फैसिलिटेशन की तरफ काम आते हैं, वो अथॉरिटेरियन जो फैक्टर्स होते हैं उनको ज्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। तो उस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि जो HEC ने फंडिंग यूनिवर्सिटीज के लिए अरेंज की, जो फिर फैकल्टी डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू किए, दोज वर एक्सीलेंट, लेकिन उनको कंटिन्यूस रखना और कंटिन्यूस रखने के साथ उनकी जो एवेल्युएशन है, क्योंकि कोई भी आप काम करते हैं दैट नीड टू बी एवेल्युएटेड एंड रिव्यूड ऑन कंटिन्यूस बेसिस, और उसमें से जो अच्छे फैक्टर्स हैं उनको रिटेन करने की ज़रूरत होती है और जो इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है फॉर द बेटरमेंट। लेकिन ये वाला जो एस्पेक्ट था रिव्यू एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट, दिस फैक्टर हैज नॉट बीन कैप्ट इन पेस विद टाइम, जिसकी वजह से जो इश्यूज थे वो ज़्यादा बढ़ते गए, और वो जो कंट्रोल का एलिमेंट था वो ज़्यादा डोमिनेंट हो गया। अगर आप इस वक्त भी देखें तो कम अज कम मिनिमम जो है कोई 17,000 PhDs की डेफिशिएंसी है हमारी यूनिवर्सिटीज में एट दिस पॉइंट इन टाइम। अब ये एक अलग क्वेश्चन है कि वो PhD की क्वालिटी, और वो क्योंकि इट इज बियॉन्ड एनी डाउट के जो क्वालिटी ऑफ अ फैकल्टी है दैट हैज टू बी पार एक्सीलेंस, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के तीन फंडामेंटल रोल्स होते हैं। सबसे पहले टीचिंग एक्सीलेंस है, और उस टीचिंग एक्सीलेंस में जो अंडर ग्रेजुएट टीचिंग क्वालिटी है दैट इज द प्राइमरी डिटर्मिनेंट इन हैविंग द गुड क्वालिटी ग्रेजुएट स्टूडेंट। और सम और द अदर जो उस वक्त पॉलिसीज की गई फैकल्टी प्रमोशन के लिए, यूनिवर्सिटीज को उनके फंडिंग वगैरह डिसबर्समेंट के लिए, उसमें जो रिसर्च पब्लिकेशन थी दैट बिकेम सो डोमिनेंट के पीपल स्टार्टेड इग्नोरिंग क्वालिटी ऑफ टीचिंग, इवन क्वालिटी ऑफ रिसर्च, क्योंकि उसके भी पैरामीटर सही तरीके से डिफाइन नहीं थे कि हाउ द क्वालिटी ऑफ रिसर्च विल बी डिटरमिंड। जो थर्ड फैक्टर होता है वो होता है इनोवेशंस का, जो कि कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को, और देर इज अ बुक ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन विच डिटरमिन्स के वंस यू स्पेंड मनी ऑन टू द रिसर्च, हाउ डू यू डिटरमिन के व्हाट यू आर गेटिंग बैक इन रिटर्न टू इट। सो एंड दैट कुड बी क्वांटिफाइड ओनली फॉर द रिसर्च। जो एजुकेशन पे जो पैसा खर्च होता है उसके डायरेक्ट मेजर्स कोई नहीं एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो R&D पे है उसके डायरेक्ट मेजर्स एग्जिस्ट करते हैं, और ये एनालिसिस सारी डेवलप वर्ल्ड में होता है, यूरोप में सारे कंट्रीज में होता है, अमेरिका में होता है, लेकिन हमारे मुल्क में उसका कोई मेजर्स नहीं डेवलप किए गए, जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ टीचिंग सफ़र हुई, क्वालिटी ऑफ रिसर्च सफ़र हुई, और इनोवेशन का फैक्टर सफ़र हुआ, और वो जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्होंने अपने आइवरी टावर्स क्रिएट किए एंड दे वर एक्चुअली sitting in those ivory towers and not interacting with the stakeholders. Wo stakeholder industry bhi hai, wo stakeholder community bhi hai, wo society bhi hai, wo government jo departments hain wo bhi hai, and that is true across almost all the disciplines. Chahe aap basic sciences le lein, social sciences le lein, hardcore sciences and engineering le lein. So us lihaz se that is where I believe ke HEC ka jo actual role hona chahiye tha, wo cheezon ko facilitate karna, universities ke liye funding arrange karna, aur quality of education, quality of research, innovation ko promote karna, wo us tarike se develop nahi ho saka, but the initial jo बेसिस थे या पैरामीटर्स थे जिन पे HEC एस्टेब्लिश किया था
किया गया था, दोज वर वेरी राइट, वेरी नीडेड एट दैट पॉइंट इन टाइम, एंड टू सम एक्सटेंट उस वक्त वो उन पे काम भी हुआ, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उनको रिव्यू होना चाहिए था वो नहीं हुआ। थैंक यू अर्शद साहब, वेरी काइंड ऑफ यू, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया। शहनाज बीबी, जो HEC ने कहा है, प्रेसिडेंट शहनाज के जी, ये हमें एक रेगुलेटरी बॉडी चाहिए, हमें एक बॉडी चाहिए जो स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करे, जो क्वालिटी इंप्रूव करे, हमें एक ये सेंट्रलाइजिंग बॉडी चाहिए। शहनाज, डू यू अग्री विद दैट? डू यू थिंक दैट HEC इज हेल्प यू ग्रो, और डू वी नीड अ रेगुलेटरी बॉडी? डू यू नीड रेगुलेशन, और कैन यू मेक योर ओन प्लान्स? Nadeem, thank you very much for giving me the opportunity to join you, Dr. Shahid Kardar and Dr. Arshad Ali. I'd like to just step back for a minute and look at this slightly larger picture, which is the political economy of education, which in Pakistan is based on an ideological commitment, and let's not perhaps devalue that too much, but Pakistan right from the beginning has said that the school system should be a public sector. Government must finance schools and provide education to every child. And initially the thinking was that they should all go to public sector schools. Of course, the state failed to provide good quality education schools, and so private schools were put up. Similarly, the concept of tertiary education since the beginning of Pakistan was principally public sector universities. A handful of public sector universities, which were totally dependent on public sector and government financing. Your tax money, my tax money. Every citizen that pays taxes, and then this is the funding that goes to universities. Over the years, the demand grew, population grew, the education cohort for university level grew, and private sector entered the marketplace. So then we began to use the dictionary and vocabulary of private sector and marketplace domination and reduce state control and state regulation. I'm not in favor of state regulation much, neither of state control, but I'm in favor of establishing certain principles around the education sector. And since our discussion today is about the tertiary sector, my views also apply in the same manner to the school sector. If the university is being established on hundreds of acres of land or even 10 acres of land, this is like the land grant system in the United States. Agar zameen hukumat aapko deti hai, state apni assets mein aapko zameen deti hai, aur kai universities ke paas 500 acre hain, 700 acre hain, Qaid e Azam University ke paas 1700 acre hain ya 2100 acre hain, aur phir aapko billions deti hai construction karne ke liye, buildings ke liye, और फिर आपकी सैलरीज पे करती है, फिर आपको रिसर्च के लिए ग्रांट्स देती है, सब कुछ करती है, तो आप क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी किधर है? ये जो हायर एजुकेशन का निजाम है, इसमें कहीं ना कहीं जवाबदेही होनी चाहिए। एंड आई डोंट मीन एट ऑल द NAB टाइप ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मैं बात कर रही हूँ एजुकेशन आउटकम्स की, क्वालिटी की, रिसर्च की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमें टर्शरी सेक्टर को अगर हमने देखना है, तो अगर हमने तहकीक करनी है और उस तहकीक का और PhDs के प्रोड्यूस करने का कोई पाकिस्तान का फायदा नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है, तो मेरे ख्याल में सवाल यकीनन उठता है। अब वो कौन सा इदारा है वो जो देखेगा? अगर आप कहें, बिकॉज आई नो दैट यू हैव बीन पॉजिटिंग दिस प्रोपोजिशन फॉर सम टाइम नदीम, दैट लेट्स जस्ट डिसबैंड ऑल द रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड लेट जस्ट यूनिवर्सिटीज ग्रो, ऑलराइट, लेट्स डिसबैंड देम, देन डोंट गिव देम एनी मनी। Why should the state provide any money? फिर आप सोसाइटी को कहें आपको हायर एजुकेशन चाहिए तो आप यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश करें, एंडाउमेंट्स दें, जैसे बहुत सारे मुल्कों में होता है। मेरे ख्याल में अभी तक पाकिस्तान इज कॉट इन दिस वेरी प्रॉब्लमेटिक डायलेमा, दैट ऑन द वन हैंड वी हैव अ सोशल विजन ऑफ अ सोसाइटी वेयर द स्टेट हैज एन ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड एजुकेशन, एंड वी हैव क्लैरिफाइड दैट इन द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ इन आर्टिकल 25A. Schooling is to be provided by the state. This is the obligation of the state. But is higher education also the obligation of the state? And is it the right of every single student, whether they meet the merit or not, that they should be provided a highly subsidized state sector tertiary education? So I think there are questions here. If you want to continue funding, and then you don't have an HEC, that's fine. Don't have a standard setting authority. Don't have a
an institution that provides support, professional support, technical support, management support, and doesn't negotiate research grants and fundings through international organizations and even national funding, then just every time the budget is passed in the finance bill, you can allocate billions to whatever, whoever you want, and then just let them go on and do anything. So you have to have some sort of agency. That's my view. I think definitely an organization, an institution, an agency is required if we are going to use state money. Now, the question is, what sort of organization should it be? It obviously should have the capacity for financial, judicious expenditure, assessing what universities are doing. And we can talk about that at length, whether the matrix should have 10 criteria on it or 50 on it, et cetera, how intrusive or less intrusive it should be. But clearly, the framework for public sector funding requires that there should be some sort of measurable outcomes and some sort of quality indicators against which institutions should continue to receive money. And we know that when the HEC was established after the University Grants Commission, it was established on the principles of higher education quality, research that actually met standards. And there are nationally prescribed standards. And it was also for a transparent system, a professionally run transparent system, not a bureaucratically run. Don't take officers from different ministries of the government and park them in HEC. Have professional technocrats, have professionalists run your higher education system. So yes, I do believe we need a regulator in the HEC as one of the functions, but that regulation function is connected to the standard setting mechanism. If you have a standard setting mechanism, then you have to have some system which assures you that certain universities that are getting funding meet those standards. Now you also have accreditation councils. So in fact, accreditation councils regulate and dictate far more than what HEC does. They are very, very micro level requirements. There's the Pakistan Engineering Council, NCSC for computer science, NBSC for business science, and so on and so forth. So standard setting regimes are required. And I do believe that some measure of reform was required. And that's what the recent 2.5 years, that attempt was made to look at performance-based funding, to ask the questions, to seek responses to where the money has gone and how it has been expended and what value, educational value, value to the country, research value has been provided from the universities. There is a commission. Now you can say there shouldn't be a 15 or 18 member commission, but it has representation of all the provinces. So this is not just a federal authority, this is a national authority. And I just think that when you talk about, and we are now sitting in the context of a crisis, which has being a result of this malafide ordinance brought about by the government. Ill-advised, malafide, quite unnecessary, until today, no justification provided for why this amendment to the ordinance came out. It has created total instability. And if there's an expectation that you put a chair of the HEC for 2 years, you do not allow him to bring in an entire team of leadership that can bring about the reform, I think it's a very unfair approach when you say somebody's been there for 2 years. It doesn't matter who it is. The most competent person cannot bring about significant change in 2 years. So I think there are several things that we need to look at. The larger landscape, what is it that we're predicating it on? And then one can come to the other discussion. Nadeem, just one or two more points. Dekhiye, mulk mein examination boards bhi hain, curriculum boards bhi hain, textbook boards bhi hain. मैं नहीं कहती कि वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं लेकिन एक स्ट्रक्चर है इस मुल्क में
इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं और कहते हैं कि ठीक है ना एग्जामिनेशन बोर्ड हो ना करिकुलम बोर्ड हो ना टेक्स्ट बुक बोर्ड हो, किसी किस्म का इदारा ना नहीं हो, इसी तरह फिर हायर एजुकेशन के लिए भी कोई इदारे ना रखें, फिर सोसाइटी को कहें कि ठीक है आप ज़मीनें दें, आप फिलैंथ्रोपिक फंडिंग करें और आप अपने इदारे चलाएं, तालीमी इदारे चलाएं, तो ये एक फंडामेंटल आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन है. एंड आई डू थिंक दैट वी आर आंसरेबल. प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो आंसरेबल. The private sector is clearly answerable to its governing board and very rigorous governing board. The same way public sector should be answerable. Ji, bilkul sahi. No, Shanaz, we'll come back to it. There are lots of things to talk about. Absolutely correct. I think we should examine everything. Dekhe, we are the Pakistan Institute of Development Economics. Our job is to question, and we should question. Think tanks and universities must question. If they don't question, I don't think we should have them. I think we should get rid of them, because quite frankly, a non-questioning education is the stupidest problem in the world, and we've got a non-questioning education. Our textbook boards, much has been written about them. We'll do something on textbook boards too. We'll do something on all levels of education. And I think we believe in the deconstruction approach, that we should deconstruct everything and start from the beginning. So that's what we are doing in HEC. It's got no agenda, no reason to worry about anything. We're just deconstructing HEC. And regardless of the present crisis, which I agree, if there is a crisis, but doesn't matter. There's a crisis everywhere in the country. Now, you raise a number of good points, and I agree with you. I'll address Shahid. Yes, education, public education failed. So we decided to let private education come in. That didn't work. So we decided to regulate both. So another public sector role. Now, we give public sector roles again and again. We never think about whether the public sector is capable of doing this or not. Yes, we want performance-based funding. But the public sector, is it capable of doing performance-based funding? Just like we wanted public sector to create energy. When the public sector failed to create energy, we brought in IPPs. Then we want the public sector to regulate the IPPs. This is the pattern that recurs. Shahid sir, how would you address this? Okay. Look, I mean, if I would just follow what Shanaz has said, then I have nothing to say. Because as far as I'm concerned, she's saying, if there is public funding, thou shalt should be accountable. So as far as I'm concerned, as a private university, that's precisely what I would say. I don't take any funding. I have my own board. And of course, we have to take care of quality to survive. Okay. So I mean, this whole business of HEC and how it should regulate me, for instance, is an area which really hasn't really been touched. And so what I'm going to do, Neeman, I'm going to touch on this aspect of funding in a second, and how things are going to change when it comes to the funding part. I'm not going to talk about the current crisis facing the HEC. I mean, it's very sad, if not reprehensible, what has happened recently. And I'm going to focus on some of the questions that you've raised on the role that should or could be mandated to such an agency. And I'm covering the private sector universities in it deliberately. I'm not terribly sure that I take the view that because HEC has a board, so hence everything should revolve to the board. I don't know if the funding is coming from government. I personally think, and I will come to that in my later intervention, that it should really be accountable and answerable to some parliamentary committee for education and so on and so forth. So the funding is not just coming to HEC and then HEC boards decide something in terms of achievements of quality and so on. So my views are based on my experience, and the purpose of sharing some of them is not to revive or really censure the institution, but to highlight the areas that frankly would need to be tackled if there is to be such an agency. And this is a key question, because you highlighted the mere fact that there are now, I mean, for instance, I look at my own board, no funding from government. I have two members from HEC on my board, two members from the Punjab government on my board, and then the Provincial Higher Education Commission also wants to be represented on the board. So in a sense, no funding, nothing, and they are the ones who actually outnumber the private members on the board. So constitution, let's first be clear, constitutionally, post 18th Amendment, its mandate is restricted to setting up standards and guidance to ensure quality of academic offerings. Now, I know there is no end to this discussion on how do you ensure quality. But what we have found is that just to meet its
constitutional obligations. It has seemingly, or Ashraf Sahib Mr. Balbiki, extended its staff to include the performance of a host of functions. There are 27 interventions and initiatives covering the case of universities and 20 with respect to faculty. A case of, frankly, a very clear case of avoidable mission creep. And this has been compounded, even Shanaz accepts it, Ashraf Sahib also accepts it. This has been compounded not just by the ATC's vision, but a bureaucratically nurtured culture of excessive regulation. We tend to be control freaks. Resultantly, what do we find in ATC? And you refer to it, uniformity, irrespective of the area of knowledge and discipline. By setting standards for compliance, covering prescriptions of the semester system, the credentials of faculty, the course offerings that should be permissible under each program, the criteria for eligibility for faculty promotion, the role of formal examinations, the midterms, in assessing. So I find it very odd. And while the ATC, and rightly, has been wanting to jealously guard its operational autonomy, it has been reluctant, to date at least, to grant adequate administrative autonomy and academic freedom to universities, even to modify, we face that daily, to modify and update the program offerings to respond to the fast-changing developments in terms in technology and the nature of the skills which are being demanded by both domestic and international markets. And all this is done in the name, we all know, of quality assurance, as if only the ATC bureaucracy really knows what is good quality. And the market doesn't know, the consumers, the parents and the students don't know, resulting in them taking the parents and the students supposedly irrational decisions. Moreover, and more importantly, and I think Shanaz very rightly highlighted, aren't the boards and the senates of the university supposed to do precisely that? Continuously enhance the quality of the education being imparted? There are several examples. Ashraf Sahib would know, Shanaz knows, and I can reel them off offhand. Now, let me quickly address your question whether it simply become a funding agency, because Shanaz focused much more on the funding area to accountability. So, if we want allow the UGC of the past. If so, that would essentially involve a mechanical exercise of developing formula for allocation. But of course, it would be based, revised over time based on experience and outcomes, and we can have performance gap. Now, what I want to highlight when it comes to the funding part, and I think everyone seems to forget this, and I don't think, Nadeem, I need to tell you this. Today, the system of financing provides an incentive to provinces to establish new universities. They're thinking one university in each district. The reason is very simple, because the funding is coming from the federal pool. This is not sustainable, we all know, given the state of the federal government's fiscal finances. And if the financing responsibility is transferred to the provinces in a phased manner, I wonder what leverage without funding that ATC will have the public sector universities despite government funding. So it'll actually, this so-called accountability would get transferred. And it worries me, because we certainly would like to have some measure of ensuring a certain minimum standard of quality to be able to do. To do this. Now, why am I emphasizing this? Now, setting standards and mechanisms for ensuring delivery of quality education, which is supposedly symbolized by the degree awarded to the student for it to be accepted, at least nationally, and performing these functions to be accepted at least nationally, and to be able to perform these functions without managing the universities will be the real challenge. I mean, Shanaz referred to the accountability, the performance part. To what extent we can prevent
and have a balancing act, a very tough one, without getting, you know, targeted for micromanaging all this. And so what would I do? I would suggest a need to revisit the need for establishing the HEC, rewrite the objectives and give its board, all of its members be nominated and notified by government, the operational autonomy and responsibility to develop the criteria and the mechanism, which is the policy measures, the instruments and institutional structures to assess the achievement of these goals and get them cleared by Parliament. The legislation may or must require presentation once a year by the HEC to the relevant parliamentary committee on the achievements against these objectives. This balancing act of how you ensure an element of quality, and I would include private sector regulation to some extent in that, but the balancing act will be a real tough one. For me, I feel it's much easier because we have our own board, we have our own funding. So we will be much more accountable to the market in terms of the quality of education that we provide. How you get the public sector universities accountable, it will be a real challenge, Thank you, I'll just stop here. And of course, wait for the next intervention. Thank you, Shahid. कि ये एचईसी का स्टैंडर्डाइजेशन का रेगुलेशन का जो रोल है इतना बड़ा रोल है सारी क्वालिटी बढ़ाना ये कैसे आप लोगों ने अचीव किया है अटेस्टेशंस के थ्रू स्कॉलरशिप पे लोगों को भेजने के थ्रू स्कॉलरशिप से जो लोग वापस आ रहे हैं अरशद साहब वो तकरीबन सब ही उनसे मायूस हैं आपके पीएचडी से सब मायूस हैं दूसरी जो आपकी इंटरफेरेंस है फॉर एग्जाम्पल हर जगह आपने ऑरेक बनवा दिया क्यू ई सी बनवा दिया मेरा पी आई डी बड़ा छोटा सा दार है हमने कुछ कमर्शलाइज नहीं करना पर हम ऑरेक बना के बैठे हुए और हमें रोज चिट्ठियाँ आती हैं कि ऑरेक बनाएं मुझे तो समझ नहीं आती हमने ऑरेक बनाया क्यों है हमारा 20% बजट ऑरेक पर लग जाता है हमें ज़रूरत की ऑरेक की दूसरा इदारा क्यू ई सी हमारा 20% बजट वहाँ लग जाता है हमें ज़रूरत की उसकी ये आपकी कुकी कटर अप्रोच है नंबर दो अशफाक साहब ये एक और बड़ी मजेदार अरशद साहब सॉरी एक और बड़ी मजेदार चीज़ है कि आपने एक 2002 में एक मॉडल यूनिवर्सिटी लॉ पास की थी जो सब यूनिवर्सिटीज ने फॉलो की हमने भी फॉलो किया हैरानगी की बात है शनाज ने नहीं फॉलो की हमें तो हमारे पास तो एक सिंडिकेट भी है एक सेनेट भी है एक बोर्ड ऑफ स्टडीज भी है एक एकेडमिक काउंसिल भी है हमारे पास जितने बंदे हैं उतनी टोपी है हमारे पास और हमारे प्रोसीजर्स इतने लंबे हैं कि हम कभी कुछ चेंज नहीं कर सकते अच्छा दुनिया बदलती जा रही है अरशद साहब क्या आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी का सेटअप बिल्कुल वैसा ही रहे मेरी लॉ में डीन का रोल भी डिफाइन किया हुआ है मुझे डीन की जरूरत नहीं है पर डीन का रोल डिफाइन किया हुआ है सिंडिकेट में पता नहीं कितने सेक्रेटरी वगैरह हैं सेनेट में चार सेक्रेटरी प्रोविंशियल है चार फेडरल है अरशद साहब इज दिस अचीविंग क्वालिटी इज दिस हेल्पिंग अचीव क्वालिटी इज दिस हेल्पिंग कैन आई नदीम जस्ट ऐड अ क्वेश्चन टू इट मैं आपको मिसाल देता हूं वी आर अ स्ट्रेंज यूनिवर्सिटी इन द सेंस दैट वी हैव visual arts, we have architecture, we have theater, film and television. ठीक है? And what is interesting is, campus में HEC हमें कह रहा है आपके पास PhD होनी चाहिए. We have the most celebrated artists this country has produced. तो PhDs नहीं होते ना उसमें. Theater, film and television, you name it, and some of them, Shanaz knows personally, वो आके पढ़ा रहे हैं. वो कह रहे हैं नहीं यार इनके पास PhD नहीं. Can you be serious? I mean, sort of the irrespective of the discipline, which our cookie cutter approach carry. And I've referred to later to something that Shanaz mentioned in terms of accreditation bodies. Isne banayi hai, aap logon ne banayi hai yaar. Hame marwa diya hua hai. And I will talk about it later. Sorry, I just want to add. Arshad sahab, zara bataiye, how does this achieve your goal? Bilkul. Acha, isme, if I may comment on some of the points raised or at the same time jo questions aapne raise kiye hain pehli to baat ye hai ki har country mein ek central regulatory body hoti hai chahe wo america hai sir america mein nahi hai sir america mein nahi sir america mein hai jo ki universities ki accreditation ko approve karti hai that I can discuss in detail wo jab tak wo ek standard लेवल फॉलो ना करें वो यूनिवर्सिटी अपने आप को फंक्शन नहीं कर सकती है ये ट्रंप की जो यूनिवर्सिटी है वो इसीलिए नहीं चली थी कि वो उस एक्रेडिटेशन बॉडी ने अप्रूव नहीं की थी सो दैट इज वन थिंग
The second thing is, जो funding होती है ना उसमें, और हर मुल्क में private universities भी हैं और public sector universities भी हैं. This amalgam exists all across the world. So कहीं पे private ज़्यादा होंगी, कहीं पे कम होंगी. लेकिन जो public sector university होती है उसमें funding के दो component होते हैं. एक teaching का component होता है, एक research का component होता है. जो टीचिंग का कंपोनेंट होता है वो रिगार्डलेस दैट गोज टू एवरी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज. एंड जो जब हम यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसको समझना कि वो यूनिवर्सिटी शैल बी गवर्न्ड, रेगुलेटेड एंड मैनेज्ड बाय देयर ओन जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं उनके थ्रू वो होना चाहिए. एंड आई हैव बीन एडवोकेटिंग दिस कि जो यूनिवर्सिटीज, चाहे वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं या प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं, जिनकी एक पब्लिक परसेप्शन एग्जिस्ट करती है एज फार एज दी क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी, देर इज नो वन डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी, इट इज ऑलवेज अ रिलेटिव टर्म फ्रॉम पीपल टू पीपल, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन टू फंक्शन. सो उसके लिए HEC रोल शैल बी एडवाइजरी. सो जो कारदार साहब ने कहा कि इनकी सोशल साइंसेज की यूनिवर्सिटी है और उसमें PhD नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए आई 100% एग्री. एंड HEC में दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो इज एक्सेप्टेड के जैसे NCA है या बीकन हाउस यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे नहीं मिलते हैं एक्सपर्ट्स वहाँ पे दे शैल बी एबल. लेकिन जो ये काउंसिल्स बीच में बनी हैं, और काउंसिल्स आर नथिंग हु फैकल्टी मेंबर्स पिक्ड अप फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, वो जाके विजिट करते हैं, लेकिन उनकी जो इंडिविजुअल परसेप्शंस होती हैं वो इतनी डिटेल में जाना शुरू कर देते हैं कि जिसकी ज़रूरत नहीं होती है. वो इसलिए जो कारदार साहब ने कहा कि HEC के ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस को विजिट करने की ज़रूरत है, वो कोई भी बंदा उनको पढ़ेगा वो इस बात से इनकार नहीं करेगा या डिसएग्री नहीं होगा कि दोज आर ऑलरेडी वेरी वेल थॉट आउट. लेकिन जो उनका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, प्रॉब्लम वहाँ पे है. HEC एज एन ऑर्गेनाइजेशन या चेयरमैन कभी नहीं कहता कि यूनिवर्सिटी को ये प्रोग्राम ना चलाने दो या इसका ये प्रोफेसर को चेक करो. वो एक्चुअली ये जो एक्रेडिटेशन काउंसिल्स जाती हैं ये फिर जो उतनी डिटेल में जाना शुरू कर देती है जिसका नहीं होना चाहिए. और एक्चुअली तो यूनिवर्सिटीज की कैटेगराइजेशन होनी चाहिए. हमारे पाकिस्तान में ही देर आर यूनिवर्सिटीज हु हैव बीन इशूइंग डिग्रीज इन थाउजेंड्स, बल्कि मैं तो कहूंगा कि लाखों के नंबरों में भी है जिन यूनिवर्सिटीज ने डिग्रीज इशू की हैं. तो जब तक उनका कोई रेगुलेटरी या लुक आफ्टर करने वाला नहीं होगा उस वक्त तक देर विल रेफरेंस के किसकी डिग्री ठीक है, किस यूनिवर्सिटी की नहीं है. सो HEC ने जो ये क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं, ये वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, करने हैं जहाँ पे उनसे वेरिएशन पुअर क्वालिटी की तरफ या नॉन कन्फॉर्मस की तरफ है वहाँ पे है. लेकिन जो बेहतर परफॉर्म कर रही हैं उनको उसमें करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. और ये कॉन्सेप्ट और एक्सेप्टेंस काफ़ी हद तक HEC में एग्जिस्ट करती है. लेकिन प्रॉब्लम वहां पे आ जाता है जहां पे जब काउंसिल्स जाके उनको इम्प्लीमेंट करती हैं तो प्रॉब्लम वो उन इंडिविजुअल्स के थॉट प्रोसेस में आ जाता है. दैट इज वन थिंग. द सेकंड थिंग इज आई 100% एग्री कि जो क्वालिटी है HEC शैल प्रोवाइड गाइडलाइंस, लेकिन उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन के फंक्शंस हैं वो यूनिवर्सिटी की अपनी जो जो भी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं और उनकी फैकल्टी है या डिपार्टमेंट्स हैं, दे शैल लुक आफ्टर दैट. वहाँ पे HEC शैल नॉट कम इन टू प्ले. हाँ, अगर कहीं पे किसी यूनिवर्सिटी को सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ पे HEC शैल प्रोवाइड दैट सपोर्ट फ्रॉम व्हाटएवर
resources they have. That is one thing. The second thing आपने जो कहा कि जो PhD गए और PhD की बहुत खराब और वो, so PhD चाहे हमारे मुल्क के indigenously produce हो या बाहर के हो, अच्छे और बुरे हर जगह होते. So this program had been very good in the beginning. लेकिन जिस तरीके से मैंने शुरू में कहा था, जो इसकी refinement का एक process होना चाहिए था वक्त के साथ साथ, और उन बाहर की यूनिवर्सिटीज में जहाँ से अगर क्वालिटी सही नहीं फील हो रही है कि वहाँ से बंदा पढ़ता है एंड द परफॉर्मेंस और द क्वालिटी ऑफ रिसर्च और क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज नॉट ऑफ द स्टैंडर्ड, देन दोज यूनिवर्सिटी शुड हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कॉलरशिप अवार्ड. लेकिन वहाँ पे दोज आर द एरियाज वेयर स्लैकनेस हैज हैपेंड, और उन चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है. लेकिन हमारे मुल्क में ये होता है कि हम चीजों को रिव्यू करने के बजाय हम कहते हैं ये अदारों को ही बंद कर दो, ये अदारा ही फेल हो गया. एक्चुअली इट इज द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल टू रिव्यू ऑल दोज फैक्टर्स. अभी जिस तरीके से हमारे यहाँ पे फैकल्टी प्रमोशन क्राइटेरिया है, आई मीन इट हैज बीन सो लॉपसाइडेड टूवर्ड्स सो कॉल्ड रिसर्च, वो क्वालिटी ऑफ रिसर्च भी नहीं है, जिसकी वजह से द होल सिस्टम हैज गॉन इनटू फिक्स. और हमारी जो फैकल्टी है दे हैव फोकस्ड मोर ऑन टू कि हम कहीं चाहे अखबार में पब्लिश करते हैं और उसका हम क्रेडिट ले लें, रादर देन लुकिंग एट कि हम किस किस्म की क्वालिटी ऑफ रिसर्च प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हमारे सोसाइटी के या हमारी इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स को किस तरीके से एड्रेस करी है, वी डोंट फोकस इनटू दैट. सो आई 100% एग्री के HEC के फंक्शंस को उतनी उस तरीके से देखने की जरूरत है कि हमें इंप्लीमेंट क्या करना है, कहाँ पे क्वालिटी का काम ऑलरेडी हो रहा है वहां पे बदर करने की जरूरत नहीं है. एंड जिस तरीके से अगर आपको ये ऑरिक की जरूरत नहीं है, सो HEC शैल नॉट बी गेटिंग इनटू के भाई आपके पास ऑरिक हर सूरत में होना चाहिए. सो दोज नीड बेस्ड और द फंक्शन और रोल बेस्ड अप्रोच नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड और उसके मुताबिक फिर रूल रेगुलेशंस डेवलप होने चाहिए. थैंक यू अर्शद साहब. शहनाज बीबी, ये हमारे मुल्क में यू सीन दिस, ये ब्यूरोक्रेट्स में हर इदारे में ये एक एक्सक्यूज बन गया है कि फॉल्ट इदारे का नहीं है, देखें ना लोग खराब है. फिर लोगों से पूछे क्या होता है, देखें ना जी मेरी माँ बीमार है, फिर उससे पूछे वो कहते नहीं जी मेरी खुराक खराब है. तो मेरा मतलब कसूर तो किसी का भी नहीं ना, कसूर तो फिर फर्दर डाउन द रोड पता नहीं चले जाएंगे DNA पे या पता नहीं कहाँ चिंपैंजी पे, क्या माँ से आए थे. माई प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल शहनाज बीबी, इफ I cannot find a single person to hire in the country. I've interviewed thousands. I'm sure you interview people too. Are you finding people of quality? And if we don't, is that not a measure of HEC success? Or do we have to go back and nahi yaar inhone, you know, ye ho gaya, wo ho gaya. Are we going to run excuses? Are we going to have accountability of HEC too? Ye accountability ki jo rhythm hai, wo har koi kehta hai ki mere taraf nahi, kisi aur ki taraf point karo. Usko gun dekhi jayegi kya hota hai. Main to bada acha hu, main to bada acha kaam kar raha hu. Shinath bhi bataiye, ye accountability, isn't this an excuse? Has HEC produced the quality that it should have? Thousands of scholarships have been given. Where are the people? मेरे ख्याल में नदीम, अगर हम मयार और क्वालिटी की बात करते हैं, मैं इस आर्ग्यूमेंट में फंसना नहीं चाहती कि ये अकाउंटेबिलिटी HEC करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. मैं चाहती हूँ कि अगर हम जरा सा ब्रॉडर इसकी व्यू लें पहले, क्योंकि ये जिम्मेदारी किसकी है. मैं कहती हूँ हम सब की है, सब हम सब की है. जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप है, जो सोसाइटी है, आप है, मैं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि स्कूल्स की क्या हालत है, हेल्थ सेंटर्स की क्या हालत है, यूनिवर्सिटीज की क्या हालत है. तो इस आर्ग्यूमेंट को मेरे ख्याल में इधर छोड़ दें कि क्या इस HEC ने सारी बर्बादी की है. मेरे ख्याल में अगर आप, मैं सिर्फ सिंध की मिसाल देना चाहती हूँ. देखिए इस वक्त पूरे मुल्क में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 225 यूनिवर्सिटीज़ हैं इस वक्त. उसमें से 139 जो हैं वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं और 86 जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर हैं. अब आप अगर आए कराची में 44 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें से 34 जो हैं
वो प्राइवेट सेक्टर में है और 10 जो है वो पब्लिक सेक्टर में है. तो हम जरा सा डेवलपमेंट्स जो हमारे लैंडस्केप है टर्शरी सेक्टर की, यूनिवर्सिटीज की, डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस की, उसमें आप देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज बड़ी तेजी से आगे आई हैं. और इसमें जब आप परफॉर्मेंस, क्वालिटी, रिकग्निशन, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई वुड से मोर देन एनीथिंग एल्स, एथिकल, मॉरल, एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तो हमारे पास कुछ बड़ी आउटस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं और वो पब्लिक सेक्टर में भी है और प्राइवेट सेक्टर में भी है. प्राइवेट सेक्टर में बिलाशुबा लम्स आपकी एक बिल्कुल वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, उसके जिस तरह उसकी गवर्नेंस है, जिस तरह उसने अपने आप को डेवलप किया है, और इसी तरह कल डॉक्टर परवेज उर्बोए ने एनसीए का जिक्र किया. एनसीए इज एन आउटस्टैंडिंग नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स. इंडस वैली भी है. डॉक्टर इकरार हैज बीन द वाइस चांसलर ऑफ एग्रीकल्चर, फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आउटस्टैंडिंग. नस्ट इज वेरी गुड. सिमिलरली आईबीए इज अ गुड मैनेजमेंट स्कूल. देयर इज अ हबीब यूनिवर्सिटी जो कराची में सेटअप हुई है, उनके जो उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका मॉडल है, वो भी इट इज प्रोड्यूसिंग really some very very good quality work. So I think what we need to do also is ki hum dekhein ki kya ye jo 225 universities hain isme kaun si universities hain jo mature ho chuki hain. Deakin House mein shahid kardar sahab abhi baithe hain, unhone abhi apna jo tajruba hai wo bhi aapko bataya ki it's like a halter around his neck as it is against mine that we can't find phds for media, yet we lose points every time that there's some sort of a inspection visit. And it's also a halter around our necks for those universities that have demonstrated track records to be constrained by over-regulation. So, main is tarah ki regulation ke hath mein katan nahi hu. Agar Pakistan mein tier system ban jaye, jahan pe aap kahein ki Pakistan mein 3-4 tiers ki universities hain, aap kuch criteria banaye. Aap kahein agar ye universities apne aap ko, they have demonstrated good self-governance, उनको ऑटोनॉमी दें, उस पर पब्लिक सेक्टर वालों को भी ऑटोनॉमी दें, प्राइवेट सेक्टर वालों को भी ज्यादा ऑटोनॉमी दें. उनको क्यों डिक्टेट किया जाता है कि आपने ये कोर्सेज पढ़ाने इस डिसिप्लिन में, इस सीक्वेंस में, और इस तरह आपने फैकल्टी की रिक्रूटमेंट करनी है. इन डिटेल माइक्रो लेवल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए. एक तो आई एम इन फेवर कि अगर आप कहें रेगुलेशन होनी चाहिए कि नहीं, मैं कहती हूँ रेगुलेशन रैशनलाइज्ड, स्टैंडर्ड सेटिंग रिजीम बनाए, सारी यूनिवर्सिटीज के लिए एक स्टैंडर्ड सेटिंग रिजीम हो. कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो उसको ज्यादा आसानी से उन स्टैंडर्ड्स को पूरा कर सकती हैं, और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके लिए बहुत मुश्किल आते हैं. तो यूनिवर्सिटी इन फार फ्लंग एरियाज इन मलाकंड एंड क्वात एंड सवात एंड मेनी अदर एरियाज में हैव मोर डिफिकल्टी. अच्छी फैकल्टी शायद नहीं मिलती. आपने देखा है सोशल मीडिया में जो वीसी साहब हैं वहाँ पे कलात की, ये मलाकंड की यूनिवर्सिटी के भी और बलूचिस्तान के भी यूनिवर्सिटी के, दे स्ट्रगल अगेंस्ट ग्रेट ऑड्स. उनको सपोर्ट चाहिए, उनको रेगुलेशन ही चाहिए, उनको सपोर्ट चाहिए. तो ये जो पूरा मॉडल है, ढांचा है, अगर आप एचईसी को कुछ फ्रीडम दें कि वो रीथिंक करे, दे शुड ऑल्सो नॉट बी स्ट्रैप डाउन बाय ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स दैट हैव बीन पुट इन प्लेस फॉर द लास्ट 20 ईयर्स. अब रिसेंटली रिफॉर्म एफर्ट्स शुरू किए गए थे, कुछ रीथिंकिंग हुई थी कि अंडरग्रेजुएट एजुकेशन को एड्रेस किया जाए, कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको टियर वन यूनिवर्सिटीज में लाया जाए, उनको ऑटोनॉमी दी जाए, और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके लिए आपने कुछ सपोर्ट देनी है. उनको फंडिंग तो गवर्नमेंट देती है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज को, लेकिन वहाँ पे आपने अपने सिस्टम स्ट्रेंथन करने हैं कि उसमें से क्वालिटी क्या आ रही है, एजुकेशनल आउटकम्स क्या आ रही है, रेलेवेंस टू सोसाइटी क्या आ रही है. आपको पता है ये जो क्यूएस रैंकिंग का निजाम है, इसमें देयर आर सेवरल इंडिकेटर्स. देयर प्राइम इंडिकेटर्स आर व्हाट इज द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द ग्रेजुएट्स ऑफ दैट यूनिवर्सिटी. क्यूएस आके हर यूनिवर्सिटी को देखता तो नहीं है. सारी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में इनकी टीम्स थोड़ी आती हैं, वो तो डेटा देखती हैं कि एक यूनिवर्सिटी इनकी, इनके जो अलमनाई निकलते हैं वो कहाँ जाते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन मार्केट में कैसी होती है, उनकी एथनिक डाइवर्सिटी क्या है, उसमें आपके अलमनाई कहाँ कहाँ पोजिशन है, उन्होंने कितनी पेटेंट्स किए हैं या नई नॉलेज डेवलप की है या क्वालिटेटिव रिसर्च की है. तो इस किस्म के मैट्रिसेस जो है वो बन सकते हैं. वी ऑल नो वी कैन सिट टुगेदर. स्टॉप यू देयर.
why can't somebody like PID do it? Why do you need NHEC to do it? This is a job for a think tank. This is not a job for a Yes, I agree. I think HEC can... HEC is not... it should not be constricted in any way. They can pull together a coalition of people and say, how do you think a tier one university set of indicators should be formulated? Certainly. 10-12 लोग हैं जो हम सब जानते हैं आसानी से उनको आप बिठा सकते हैं टियर वन यूनिवर्सिटीज बनाएं मगर सपोर्टिव फंक्शन एचईसी की भी है ठीक है मैं समझती हूं इसको ज्यादा नदीम कैन आई जस्ट रिस्पोंड टू शायद लेट मी फील द क्वेश्चन लिटिल नहीं नहीं कैन आई जस्ट रिस्पोंड टू वन थिंग आई जस्ट कम टू यू आई एम कमिंग टू यू देखिए जब एचईसी बनी थी आई वांट ऑल ऑफ यू टू कंसीडर देयर वर 20 और 30 यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान HEC has been on a building spree. When I was in the planning commission, I used to have fights with the HEC. Why are you building more and more universities? I was told this is not enough. We want to build 10,000 universities. I was told by the executive director then, stop the army budget, build more universities. And we want to build a university in every district. And when I said you're only building brick and mortar, they said, that's fine. We'll bring it, build brick and mortar. Shahid, even today, last year, I did a report on research in HEC. There is an average of 7 professors per university. I'm used to a department having 30 professors in the Western world, in most uni, even in India. Why don't we have professors here? Batai. Do cheeze. Let's first be clear. Aapne, if you have stretched your resources so thinly, aapko to sabka shock hai. मैंने आपको कहा ना प्रोविंसेस को इंसेंटिव इस वक्त यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी बना दूंगा सो वी आर ऑल इनटू एंड द माफिया फॉर ब्रिक्स एंड मॉर्टर कंस्ट्रक्शन इज फार ग्रेटर फार फार मोर पावरफुल देन एक्चुअली फोकसिंग ऑन दिस होल क्वेश्चन ऑफ क्वालिटी कम यूनिवर्सिटियां होती क्वालिटी पे फोकस करते रहते वी वुड डन अ फार बेटर जॉब अ फार फार बेटर जॉब अभी शनाज ने वो बात की टियर्स ऑफ यूनिवर्सिटी हम तो बड़ी सिंपल सी मैं ये कुछ 10 दफा यही बात कह कह के अब थक गया हूं मैं तो बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूं मैंने ये तो हमसे हुआ नहीं हम टियर यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं मैं ये कह रहा था भाई आपने यूनिवर्सिटियों को एक्रेडिटेशन दी यू हैव अप्रूव्ड ऑल आवर डिग्री प्रोग्राम्स यू स्टिल मेंटेन दैट यू विल अटेस्ट द इंडिविजुअल डिग्रीज इशूड बाय माय यूनिवर्सिटी अ परफेक्ट एग्जांपल of this urge to regulate everything under the sun. And what is more amusing, ye kaam to humse hua nahi ki hum ye dikhaye duniya ko ki bhai tumhari degree ki university ki degree ko attest karne ki zarurat nahi hai if you meet these criteria. Something as simple as that humse hua nahi. Hum kehte hain hum tier universities banayenge unko itni account. Main keh raha hu bhai we were unable to start with the most basic stuff. अटेस्टेशन मैं कहता हूँ ये कहो कि यार तुम्हारी इन दीज यूनिवर्सिटीज मीट दिस क्राइटेरिया इनको हमारे पास अटेस्टेशन अटेस्टेशन नहीं छोड़ेंगे देर इज अ होल डिपार्टमेंट हुज लाइफ डिपेंड्स ऑन दिस कंटिन्यूएशन ऑफ दिस अटेस्टेशन तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप हमने हमारे यहाँ फोकस इज नॉट अबाउट द क्वालिटी ऑफ इट क्वालिटी की एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर का डिमांड क्या है मैं ये आपसे पूछता हूँ कुछ लर्निंग आउटकम्स नॉलेज स्किल के लिए कुछ डिमांड है मैं आपको छोटी सी बात पूछता हूँ आप पाई डन सो कॉल्ड थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट आपको कितनी दफा गवर्नमेंट कहती है कि यार प्लीज हेल्प अस इन डूइंग समथिंग कोई भी नहीं कर रहे तो मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट ने आपको बनाया था द प्लानिंग कमीशन क्रिएटेड पाइड बट नेवर रीचेज आउट टू प्राइवेट सेक्टर के लिए तो बड़ा सिंपल काम है उसको स्किल की क्या जरूरत है All they have to do is manipulate the competitive structure it faces through a new SRO. इसको क्या जरूरत पड़ी है knowledge की, skill की मुझे बताया ना क्यों है? I really don't know. So until unless you create an environment in which there is a need for skill, तो फिर होगा आप professor ले भी आएं, वो produce करेगा कौन कौन आपको ले रहा है? वो कह रहे हैं कि यार मेनू तेरी रोल नहीं है आई कैन डू दिस वेरी इजीली बाय मैनिपुलेटिंग एन एसआरओ तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है क्वालिटी की आई स्टिल डोंट नो क्वालिटी की क्या जरूरत ओपनली कहते हैं बट शनाज बीबी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
पर मुझे बताएं हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जब जो एजुकेशनिस्ट हैं वो अपने आप को खुदा समझे बैठे हैं, वाइस चांसलर्स खुदा हैं, HEC खुदा हैं, वो सिटीजन से तो बात ही नहीं करते। मैं जितने अच्छे लोगों को जानता हूँ और बहुत सारों को जानता हूँ, आप भी जानती हैं, जितने अच्छे लोगों को जानता हूँ, पढ़े लिखे लोगों को, प्रोफेसर्स को, PhDs को, पब्लिश लोगों को, वो आज तक किसी यूनिवर्सिटी के सेनेट या बोर्ड पे नहीं आए, कोई नहीं आया। HEC ने ऐसे रूल्स ही नहीं बनाए, उनको लगा HEC ने बनाए, रूल्स के सेक्रेटरीज लगे बट नॉट एकेडमिक्स। सो शनाज बीबी, आई मीन आई फाइंड इट अ बिट स्ट्रेंज, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू दैट यू आर आर्ग्यूइंग दैट वी नीड रेगुलेशन व्हेन वी डोंट नो व्हाट यू वांट टू रेगुलेट, that we need people to hold our fingers when you don't know who's holding our fingers. Hey, I want to correct you there. I am not in favor of heavy regulation. Please don't misquote me. I said ki sabse pehle aap higher education sector ko dekhe ki iske kya broad main features kya hai. Usme kai aisi universities hain jinko regulation ki zarurat bilkul nahi hai. प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज हैं, जिनकी रिकग्निशन है, आप उनकी डिग्रीज टेस्ट करें या ना करें, उनके ग्रेजुएट्स का एक वैल्यू है, उनके इंस्टीट्यूशनल जो उनकी कंट्रीब्यूशन है, उनका स्टेचर है, उनका प्रोफाइल है, उनका वैल्यू है। मैं ये कह रही हूँ कि हमें एक रैशनलाइज्ड अप्रोच लेनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड सेटिंग फंक्शन है HEC की, उसका मैं समझती हूँ ये एक बहुत अहम फंक्शन है, और ये एक स्टैंडर्ड सेटिंग जो मैट्रिक्स बनेगा ये एक कंसेंसस से बनाया जाना चाहिए, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बाकी भी दुनिया में इस किस्म के मैट्रिक्स बने हुए, इंडिकेटर्स क्या हैं आपके स्टैंडर्ड सेट के, और ये माइक्रो लेवल नहीं होने चाहिए, ये आउटकम बेस्ड आपके इंडिकेटर्स होने चाहिए। यू कांट डिटरमाइन ऑल इनपुट्स, ये जो इनपुट ड्रिवन अप्रोच है। HEC हैज स्पेसिफाइड कि यूनिवर्सिटी मस्ट हैव 13 एकर्स। What has land got to do with university? I don't agree with that. Shehnaz, I was educated at the London School of Economics, which has 5 buildings. उसको तो मिलने थे, उसको accreditation नहीं मिलने थे। And this thing के जनाब एक professor के 15-50 publications हों, Shehnaz, my classmate won the Nobel Prize last year. He has all of 10 publications. ठीक है? And he got the Nobel on one publication. इसी तरह रोनल्ड कोस है, बड़ा फेमस नोबेल प्राइज 2001 का या समथिंग लाइक दैट, उस या शायद 90 का। रोनल्ड कोस हैज ऑल टोल्ड अबाउट 8-9 में भी 10 पब्लिकेशन, इतनी सी किताब है उसकी। नाउ दे पीपल कैन गेट पब्लिश्ड, एंड पॉल रोमर, रोनल्ड कोस, ऑल दीस गाइस प्रोफेसर 24। यहां आई कांट प्रमोट अ पर्सन, आई ट्राइड फ्रॉम ग्रेड 18 टू 19 only because HEC had specified the number of years, publications, etc., etc. So obviously I can't. So my point is, please, while I agree with you that you are not saying anything, but my point is very simple, Shehnaz. Regulations have to make sense. Who's going to make regulations? And दूसरी मुझे बता दे, जो HEC ने इतना पैसा brick and mortar पे जाया किया, इसके लिए कौन responsible? खैरपुर University, I remember, हुदबॉय ने लिखा था और कल उसने रिमाइंड कराया कि एक यूनिवर्सिटी बनी थी जो बैठ गई है जमीन में, कोई नहीं पूछता उसके बारे में। और मुझे याद है जब मैं प्लानिंग कमीशन था, मैं रोता था, देर आर भाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी फ्रॉम मुल्तान हैज अ कैंपस इन लाहौर, व्हाई? मैंने बड़ा रोका, कहते नहीं जी बनाने। एयर यूनिवर्सिटी हैज अबाउट 5 कैंपसेस, कॉम्सेट हैड अबाउट 20 कैंपसेस। मैंने तो पूछा, मैंने कहा ये मैकडॉनल्ड्स ऑफ कैंपसेस क्या है भाई? तो शनाज प्लीज टेल अर्शद साहब आप इसके बाद कि ये क्या है, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू। आपकी बात बिल्कुल सही है नदीम। The first 10 to several years, let me say, from the creation of HEC, for some reason, the people who were leading HEC at that time thought that we should just have physical expansion. Huge campuses, large number of buildings. What I say, the software of the university was not considered, which means the intellectual input, the quality of people, the quality of faculty, etc. बस बिल्डिंग्स बना दो, और आपको पता है कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में अगर आप चले जाएं तो 2-2.5 बजे के बाद पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी खाली पड़ी हुई होती है। दे डोंट इवन हैव द, दे आर नॉट इवन यूटिलाइज्ड टू द मैक्सिमम। तो ये ब्रिक एंड मोर्टर वाली अप्रोच कतन नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज की फेवर में नहीं हूँ, मेरे ख्याल में कोई भी इस चीज के फेवर में नहीं हो सकता। ये वन यूनिवर्सिटी पर डिस्ट्रिक्ट इज अ वेरी इरेशनल कॉन्सेप्ट। ये एक ठीक है, एक सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल
हो सकता है रेट्रिक कि हर इलाके के लिए देयर इज यू नो लाइक यू हैव अ राइट टू हैव अ प्राइमरी स्कूल सो देयरफॉर यू हैव अ राइट टू हैव अ यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी कैसे हर जगह चल सकती है जब आपके पास वहां पे प्रोफेसर ही नहीं मिलते, रिसर्चर्स ही नहीं मिलते, राइटर्स ही नहीं मिलते. तो मेरे ख्याल में मैं ये आर्ग्यू कर रही हूँ जी कि एक रैशनलाइज्ड अप्रोच होनी चाहिए. हम एक ऐसा इदारा होना चाहिए एचईसी का, इट डज नीड रीस्ट्रक्चरिंग, इट नीड्स रीथिंकिंग, इट नीड्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनल मॉडल. And it should, it can be an apex body which is recognized for the standards that it defines. Let me also tell you, for example, there's a lot of input-driven regulation, micromanagement. But I have often asked the question that university professors, associate and assistant professors may be very good in their subject knowledge, but they're not very good at pedagogy. They're not always very good at how you teach. So, जो अभी बनाई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, जो एक ट्रेनिंग एकेडमी है, पेडागोजी ट्रेनिंग सेंटर है, दैट इज अ यूजफुल टाइप ऑफ वर्क फॉर एचईसी टू डू. इसी तरह चार पांच ऐसी चीजें हैं, फंक्शंस हैं जो एचईसी बड़ा यूजफुली कर सकता है, लेकिन 50 रेगुलेटरी फंक्शंस नहीं होनी चाहिए. तो एक रैशनलाइज्ड अप्रोच होनी चाहिए. बहुत सारी सब स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी हैं, आपको भी पता है, हम सबको पता है, दुकानों के ऊपर खुली हुई है, नीचे दर्जियां और बेकरी की दुकानें और ऊपर यूनिवर्सिटीज खुली हुई है. बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे जस्ट गो एंड आस्क द स्टूडेंट्स. हम सब लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, आप स्टूडेंट्स से तो पूछिए ना कि व्हाट इज देयर व्यू ऑफ व्हाट द यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग देम, आर दे सैटिस्फाइड विद व्हाट दे आर गेटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटीज. सो आई थिंक देयर इज अ नीड फॉर अ वेरी ओपन, वेरी फ्रैंक डिस्कशन अक्रॉस द कंट्री, एंड आई एम ग्लैड दैट पाई जस्ट स्टार्टेड इट. Some people are feeling threatened by it, but I think that we should have a collaborative. There should be a consortium of academics, those not necessarily just a vice chancellor sitting there, but all those who are stakeholders in this. And we should really restructure provincial commissions also, provincial HECs bhi hain. Wo usi model pe ban rahe hain jaise national HEC hai. वो तो हम गेम ऑफ फाइव में है ना, वी हैव टू मेक फाइव ऑफ एवरीथिंग. तो अर्शद साहब जरा बता दीजिए एचईसी को कैसे हम छोटा करें, एचईसी को कैसे हम वापस लेके. ये एचईसी लोकल डिग्रीज नहीं अटेस्ट कर रही, एचईसी कैम्ब्रिज की डिग्रीज अटेस्ट कर रही है, स्टैनफोर्ड हार्वर्ड की, हैरानगी की बात है. वो नहीं, मैं जस्ट सजेस्ट समथिंग इन दिस. अर्शद साहब को पूछ रहे हैं, वी यू विल बी प्लीज टू नो, मैंने आपको तो बताया शनाज वगैरह के लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगा. वी हैड प्रॉब्लम्स कन्विंसिंग एचईसी के हफीज पाशा व्हाट हिज पीएचडी फ्रॉम स्टैनफोर्ड शुड बी एलिजिबल टू बी अटेंड. अच्छा, सो असल बात, माफी चाहता हूँ कि ये हम कह सब रहे हैं, ये जो अब वहां पे बंदे हमने इकट्ठे कर लिए हैं, इट्स लाइक अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आप मुझे दिखाई निकालेंगे कैसे, हाउ विल यू रिड्यूस द खुदारा गोल्डन हैंडशेक देखे लोगों को फारिग करते हैं. ये आपका अगर ख्याल है कि इसी इदारे को ठीक कर सकते हैं, माफी चाहता हूँ, ये वी ऑल नो इनफ. आपके सामने है कि ये फेडरल गवर्नमेंट आफ्टर द 18th अमेंडमेंट हैज मोर डिविजन देन इट हैड बिफोर. आप फारिग नहीं कर सकते ना, उनके पास वो क्वालिटी है टू बी एबल टू एक्चुअली रीवैम्प दिस इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ द यू नो द सजेशंस बीइंग मेड बाय इसमें. डॉक्टर नदीम, आपने क्वेश्चन किया था ब्रिक एंड मॉर्टर का और ये कैंपसेस खोलने का. असल में इस चीज को थोड़ा सा समझने की भी जरूरत है कि ये चीजें ज्यादा ड्राइव होती हैं पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से. एचईसी को जब पुश किया जाता है पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए, तो एचईसी functions just processing of PC1 for those universities, क्योंकि उसमें HEC के पास जब political leadership की तरफ से at times prime minister, at times chief minister, at times different जो public representatives हैं, MNAs हैं, वो they come to HEC to a level के इंसान को खुश शर्म आना शुरू हो जाती है कि वो अब क्या करे. So one need to look at it from all different angles के it is not just HEC और HEC के
जो एक्टिविटीज और फंक्शंस होते हैं ये कमीशन उसको रेगुलेट और ओवरसी कर रहा होता है, और कमीशन कंप्राइजेस ऑफ वेरियस फंक्शनरीज, कुछ उसमें से यूनिवर्सिटीज के होते हैं, कुछ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. सो इट इज सम ऑफ दैट व्हिच डिफाइंस के HEC ने करना क्या है. और ये सारे कैंपसेस ब्रिक एंड मॉर्टर के जो बनने हैं ये वो कमीशन डिफाइन कर रहा होता है. सो इट इज, क्योंकि HEC तो सिर्फ एग्जीक्यूशन एंड पे होता है. दैट इज वन थिंग. द सेकेंड थिंग इज के हमें इस चीज को इस एंगल से देखने की जरूरत है कि जब तक हम जो इश्यूज हैं, मैडम शहनाज ने बड़ा राइटली कहा है कि इनको जब हम डिस्कस करेंगे तभी उसकी कॉग्निजेंस आएगी, और जब कॉग्निजेंस आएगी ऑब्वियसली देन वी विल लुक फॉर सॉल्यूशंस फॉर ऑल दीज थिंग्स. एंड दिस इज वेरी गुड कि हम इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, और इनको डिस्कस करते हुए हमें सिर्फ HEC को इस तरीके से नहीं देखना कि HEC यूनिवर्सिटियां बनाना शुरू हो गया है. हाउ HEC इज बीइंग पुश्ड बाय द एंटिटी व्हिच प्रोवाइड्स फंडिंग फॉर ऑल इट्स फंक्शंस, एंड दैट इज द गवर्नमेंट. जब गवर्नमेंट पुश करेगी तो HEC हैज नो अदर अल्टरनेटिव देन टू मूव अहेड विद दोस जो भी पॉलिटिकल एजेंडा है. उसको बफर तो ना है बिटवीन पॉलिटिक्स एंड यूनिवर्सिटीज. दिस इज नॉट अ बफर देन, दिस इज अ कंड्यूट फॉर पॉलिटिक्स टू टेक प्लेस. नो, उसमें देखें बफर यू कैन ऑलवेज बी देयर टू अ सर्टेन डिग्री. उस डिग्री जब वो क्रॉस होती है तो जिस तरह अभी हुआ है दैट इज व्हाट हैपेंड. सो वन नीड टू जोर वाले के नीचे लेट जाएं और जो कमजोर है उसको मारे, यूनिवर्सिटीज को मारे और फंडिंग वालों को फंडिंग दे दें. सर ये तो मेरा रेजोल्यूशन है ना, ये तो रोना आता है मुझे कि हमारे आपने बिलियंस ऑफ रुपए जाया कर दिए इन बिल्डिंग यूनिवर्सिटीज दैट विल नेवर फॉर द नेक्स्ट 100 years विल नॉट बी यूनिवर्सिटीज. ये भी तो कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. क्यों जी शनाज, इस पर कोई अकाउंटेबिलिटी है? शुड वी बिल्ड अ यूनिवर्सिटी इन एवरी क्वार्टर? और उसकी इतनी बड़ी बिल्डिंगें हैं विदाउट एनी प्रोफेसर. शनाज भी की बताइए, डज कराची नीड 44 यूनिवर्सिटीज? नदीम, आपने बिल्कुल बहुत एक अहम बात की है. देखिए, जब यूनिवर्सिटी चार्टर लेती है, उसका एक्ट पास होता है, तो या तो कौमी असेंबली से होता है या वो सूबाई असेंबली से होता है. चार्टर लेने के लिए तो पोलिटिकल फोरम, पोलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान की राय ली जाती है. I must correct you there. There are no charters in Pakistan. There are acts of parliament which the HEC has made, which are over interventionist, highly difficult acts under which you can function. I am going to put out an article on this very soon. You are referring to the Model University Ordinance. I'm not referring to that. Which is ridiculous. Dekhiye, universities hain. बल्कि हर यूनिवर्सिटी वजूद में जब आती है, जब उसका एक्ट या जिसको स्लैश चार्टर कहते हैं कौमी असेंबली के जरिए या सूबे की असेंबली के जरिए पास होता है. मॉडल यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस पे बना होता है? नहीं, सारे इस तरह नहीं बने हुए. हमारा ज़ैबिस्ट का चार्टर बिल्कुल कतन मॉडल यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस पर नहीं बना हुआ. बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज हैं जिनका बिल्कुल कतन मॉडल यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस पर नहीं बना हुआ. हमारे गवर्निंग बोर्ड पे कोई गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं बैठता. हमें एक पैसा हुकूमत नहीं देती, ना सूबे की हुकूमत देती है ना फेडरल गवर्नमेंट देती है. तो बहुत सारी ऐसी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे मॉडल यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस नहीं फॉलो किया जाता. तो उसमें जो स्टैट्यूटरी यूनिट्स हैं कुछ बने हुए हैं, जाहिर है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी. बोर्ड ऑफ स्टडीज है, बोर्ड ऑफ फैकल्टी है, बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च है, एकेडमिक काउंसिल्स हैं, ये सारी चीजें. बट सेनेट नहीं है हमारे पास, सिंडिकेट नहीं है हमारे पास. तो ये कहना कि जी सारे चार्टर्स एक जैसे हैं, दैट इज नॉट क्वाइट करेक्ट. पब्लिक सेक्टर के कुछ हैं और वो भी दे डिफर बिटवीन प्रोविंस टू प्रोविंस, ये भी डिफरेंसेस हैं. लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब एक यूनिवर्सिटी कायम होती है उसके लिए तो असेंबली में चले जाते हैं. उसके बाद कोई नहीं पूछता कि आपने वहां पे जाके 5 billion rupees खर्च करके बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं, व्हाई आर रिपोर्ट्स नॉट प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस. आपकी भी कोई एनुअल रिपोर्टिंग अगर आपने करनी है
तो आप एक हायर एजुकेशन कमिटीज बना दें सारी असेंबलीज में, लेट द यूनिवर्सिटी रिपोर्ट्स बी प्लेस्ड देयर, विल दे बी एबल टू डील विद देम और नॉट. So therefore, I think there's some intermediary agency is required to take a look at what is happening. ये जो brick and mortar चीज़ है, ये हुई थी जब नई-नई HEC बनी थी, इतनी ज़्यादा उस वक्त funding मिली थी, इतनी funding मिली थी, उसके बाद 2012 से, बल्कि 2010 के बाद university funding, HEC की जो funding है, वो decline करती रही है. जो पहले 8-9 साल में funding मिली थी, उसके जरिए ही बहुत सारी ब्रिक एंड मोटर वाली जो इन्वेस्टमेंट हुई थी, विच इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अप्रोच, वो बन गई. और उसके बाद फिर नई एक आप समझ लें ट्रेंड अक्रॉस पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए. तो ये सारी रीथिंकिंग करने के लिए, इसको रीसेटिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशनल आई शुड से डिसफंक्शनैलिटी, टोटल डिसफंक्शनैलिटी ऑफ द हायर एजुकेशन सेक्टर in terms of where it stands, what it is actually doing, what type of institutions are required. I will make a very strong plea here and say that not all institutions need to be at the tertiary level a university for teaching and research. Aap undergraduate colleges ki taraf to ek nazar utha ke dekhein, unka kya haal hai? Jo intermediate karke aapke paas bachche enter karte hain universities mein, there's a dire need to take a look at the undergraduate system as well. Aapko humne universities bana diya, we've got a Kinnaird college university, a government college university, yes. NFC college university. I mean, so, I don't even understand how that happened. University banani hai, why can't you have teaching institutions, have very very good teaching institutions in the United States? For the development we see from America, hum kehte hain hamare yahan MIT or Stanford's kyun nahi hote the, unhone 400 saal lagaye ya 350 saal lagaye. इंग्लैंड ने 600 700 साल लगाए, 800 साल पहले उनकी पहली यूनिवर्सिटीज बनी थी. तो आप एक 70 साल के मुल्क को कहते हैं कि हम इस तरह की यूनिवर्सिटीज, लुक एट मलेशिया, लुक एट इंडिया, लुक एट सिंगापुर, लुक एट अदर कंट्रीज, लुक एट चाइना, उन्होंने किस तरह इसको अप्रोच किया. लेट मी ब्रिंग इन वेरी इफेक्टिव एंड रैशनल वेज ऑफ लुकिंग एट द हायर एजुकेशन सेक्टर. लेट मी ब्रिंग इन प्रोफेसर मुर्तजा हैदर फ्रॉम कनाडा. Murtaza sahab, bataiye Canada mein kya hota hai? Do we have an HEC and does it bully you and does it tell you what to do and how to promote people in Ryerson University? Assalamu alaikum Nadeem, thank you very much for allowing me to participate. Mukhtasaran ye ke yahan Canada mein jo universities ki funding hai wo bilkul provinces ka matter hai. Education is a subject of provincial autonomy. और जो वफाक में सरकार बैठती है ओटावा में, उसका कोई लेना देना नहीं है यूनिवर्सिटीज़ के बनाने से और उनके ऑपरेटिंग बजट से और उनको रेगुलेट करने से. पहली बात, मेरा ख्याल ये है, मैं अरशद साहब ने कहा था कि अमेरिका में कोई बॉडी ऐसी है, मेरा नहीं ख्याल कि स्टेट्स के अलावा कोई वहाँ पर रेगुलेट करता है. ये तमाम ममालिक में कि जहाँ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज सही चल रहे हैं, वहाँ एजुकेशन प्रोविंशियल मैटर है. वफाक को जितनी जल्दी हो सके इससे हाथ धोने चाहिए और कोई ज़रूरत नहीं कि इस्लामाबाद में एक इदारा बैठकर कराची या खैरपुर या टोबा टेक सिंह के बारे में फैसले करे कि वहाँ कैसे यूनिवर्सिटियाँ बनाई चाहिए. इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. मैं बारहा कह चुका हूँ, फिर भी कहता हूँ कि जो इस बात को रीइन्फोर्स करते हैं उनसे कहें कि वो लेजिस्लेशन दिखा दें अमरीका कैनेडा से कि जहाँ एजुकेशन जो है वो प्रोविंशियल मैटर नहीं. पहली बात. दूसरी बात ये देखिए कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, वो सेल्फ रेगुलेटिंग सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस होती हैं और तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जिनसे मैं वाकिफ हूँ, चाहे वो बड़ी हों या छोटी हों, उनमें एक बाइकैमरल रेगुलेशन और गवर्नेंस सिस्टम होता है. बाइकैमरल इन द सेंस दैट यू हैव अ सेनेट एंड यू हैव अ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स. सेनेट इज रिलेटेड टू और कंसर्न्ड विद पेडागॉजी एंड ऑल थिंग्स एकेडमिक, वेयर इज द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डील्स विद द एक्सटर्नल मैटर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी. और ये सारे, और ये भी कि सेनेट की मीटिंग साल में एक दफा नहीं होती, सेनेट की मीटिंग हर महीने होती है. ये ऐसा नहीं है कि एक दफा आए और कुछ लोगों को बुलाया, पूरी यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व्ड होती है उसी. इसी तरीके से डिपार्टमेंट्स की मीटिंग्स होती हैं. हमारे यहाँ जो मसला है वो ये कि लोग कैनेडा, अमरीका, इंग्लैंड से PhD तो कर लेते हैं, पाकिस्तान जाते हैं वापस बाबू बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए नहीं. ये सारा जो बाबू माफिया ना, जो
पोस्ट कॉलोनियल हैंगओवर है कि हम सब बाबू बनना चाहते हैं, डॉक्टर साहब कहलाना चाहते हैं। मैं सख्ती से मना किया कि अगर तुमने मुझसे दांत नहीं निकलवाने तो मुझे डॉक्टर साहब मत कहो, मेरा नाम जो मेरी माँ ने रखा वो मुखातिब करो। अब यकीन जानिए अगर किसी को मैं उसके नाम से मुखातिब कर दूँ, प्रोफेसर को डॉक्टर साहब ना कहूँ, तो अगली दफ़ा मुझसे बात नहीं करता पाकिस्तान में। तो ये बिगर इशूज थे। लेकिन बहरहाल सेल्फ रेगुलेटिंग होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज, प्रोविंशियल होना चाहिए मैटर। दूसरी जो बड़ी बात है ये कि हम कंफ्यूज कर रहे हैं रिसर्च यूनिवर्सिटीज को अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन से। आप 12 नाम लें, MIT, स्टैनफोर्ड, कैलटेक, इन यूनिवर्सिटी के बारे में एक चीज जानना बड़ा जरूरी है, इनकी ग्रेजुएट स्टूडेंट टू अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट रेशियोज बड़ी डिफरेंट है, ठीक है। जो और MIT का अगर आप ऑपरेटिंग बजट देखें ना, तो MIT का ऑपरेटिंग बजट जो है वो ट्यूशन से सिर्फ 10-15% है, 85% इज कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, ठीक है। वो रिसर्च फोकस यूनिवर्सिटी है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च की फंडिंग से वो चलती है, 85% उनका बजट भी ऑनलाइन है देखने के लिए मौजूद है। और बड़ी बात यह है कि इट्स अ रिसर्च फोकस ग्रेजुएट स्टूडेंट्स PhD एंड मास्टर्स लेवल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो उनका अंडर ग्रेजुएट कंपोनेंट होता है इन यूनिवर्सिटीज का वो छोटा होता है। हमारे एसेंशियली जो यूनिवर्सिटी जिनके आप नाम दे रहे हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू जो कि शनाज साहिबा ने जिक्र किया, वो सब अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटीज हैं जो एसेंशियली कॉलेजेस हैं, जो BCom, BA और BS की कॉलेजेस हैं, ये यूनिवर्सिटीज नहीं हैं। और ये यूनिवर्सिटीज इसलिए भी नहीं है कि इनके पास प्रोफेसर्स नहीं हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, अभी मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज के जो वेबसाइट्स देखी, चार पाँच लोग प्रोफेसर्स हैं, वो भी क्या कहते हैं एक दो जो होते हैं टोकन डॉक्टरेट्स के साथ रिसर्च फैकल्टी होती है, बाकी वो जो होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं लेक्चरर्स के। तो आप यकीन जानिए कि जो लोग अपने आप को यूनिवर्सिटी समझ कर बैठे हुए हैं वो यूनिवर्सिटी के करीब भी नहीं है। तो मुख्तसरन ये कहूँगा कि कैनेडा में हमारे इस वक्त 1.4 मिलियन स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट, 1.4 मिलियन, और हमारी टोटल आबादी कनाडा की 39 मिलियन है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूरे पाकिस्तान में 1.4 मिलियन यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट है और आपकी पॉपुलेशन तकरीबन 220 मिलियन है। तो सवाल ये पैदा होता है पहला कि आपको कितने ग्रेजुएट्स चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर मैं डाउन में जब पहले लिखता था तो मैंने ये भी बताया कि वी आर एट द रिस्क ऑफ ओवर एजुकेटिंग आवर मिडिल क्लास। आपकी इकोनॉमी की अगर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं है तो ज़्यादा ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करके मजीद मसाइल मत पैदा कीजिए। दूसरी बड़ी बात यह कि एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को प्रोविंसेस के हवाले कर दीजिए, हायर कहीं भी, और मेरी तस्दीक कर दीजिए, अगर दुनिया में कहीं भी कोई फेडरल वफाक में बैठ कर प्रोविंसेस की एजुकेशन चला रहा हो तो मेरी तस्दीक कर दीजिए, वरना मेरे इल्म में नहीं है, मैं हल्फिया कहने को तैयार हूँ, कैनेडा में कहीं ऐसा नहीं होता। खुदा रा गलत मिसालें मत दीजिए। शुक्रिया। थैंक यू हुमा हुदालोमी, सॉरी हुदालोमी, प्लीज फोक्स नोट, आई विल कम बैक टू हुदालोमी। अस्सलाम वालेकुम सर, एम आई ऑडिबल? जी, यू आर ऑडिबल, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड से योर पीस। एक्चुअली मेरा ताल्लुक जो है वो सिपी के पास एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है लूनी, मेरा ताल्लुक वहां से है, और मैं करंटली MPhil स्कॉलर हूँ, स्टूडेंट हूँ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर में। तो मैंने कराची यूनिवर्सिटी से जो है अपना मास्टर्स भी किया, तो मैं अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहूँगी कि एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि हमारे टीचर बहुत क्वालिफाइड थे और बहुत ज़बरदस्त थे, और आप यकीन करेंगे कि स्टूडेंट्स बेचारों में वो कैपेसिटी ही नहीं थी अब्सॉर्ब करने, उनको बेसिक मैथ नहीं आता था, बेसिक मैथ। तो क्या हमें वाकई यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है? और आप अगर अपनी बजट स्पेंडिंग देखें तो हमेशा हायर एजुकेशन पे जो है वो हम ज्यादा परसेंट स्पेंड कर रहे हैं, और ज्यादातर जो है ना आपकी स्पेंडिंग जाती है या तो फीसेस में जाती है या तो फिर उनकी नई नई ब्रिक एंड मोर्टर जो आप बता रहे थे। तो देयर इज नॉट एनी क्वालिटी फॉर, देयर इज नो कैपेसिटी इन द स्टूडेंट्स टू अब्सॉर्ब। और मैम जो कह रही थी कि लम्स वगैरह, लम्स तो स्टूडेंट उठाता ही, बहुत एलीट और अच्छे किस्म के स्टूडेंट्स उठाते हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज, और मास एजुकेशन पे क्यों नहीं हमारे मुल्क में फोकस? ठीक कह रही हैं शनाज़ भी। वैसे मैं आपको बता दूं, लम्स में भी 20 प्रोफेसर ज्यादा नहीं है, पूरे लम्स में, इवन लम्स इज शॉर्ट ऑफ प्रोफेसर। एनीवे, इदरीस ख्वाजा साहब, इदरीस ख्वाजा साहब बताइए। ये कहना चाहता हूँ, एक डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है। बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन तो एक कल्चर है, जब तक ये कल्चर अडॉप्ट नहीं होगा, सोसाइटी में नहीं आएगा, उस वक्त तक डिसेंट्रलाइजेशन अगर हम नोटिफिकेशन से करेंगे तो वो किसी ना किसी वक्त वापस हो जाएगा। हमारे घरों में भी डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, फादर जो है वो फिगर हेड। हेलो, बिल्कुल ठीक, ठीक है जी। जी सर, नज़ीर, कैन आई जस्ट रिस्पोंड टू व्हाट इज दिस? एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ सर, मैं जरा कंप्लीट कर लूँ।
दूसरा तो डिसेंट्रलाइजेशन हो नहीं सकती। फिर जो है हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट ने तो डिसेंट्रलाइजेशन कर दी, प्रोविंसेस को डेवोल्यूशन दे दी, लेकिन आगे लोकल बॉडीज नहीं बन रही। वजह यही है कि कल्चर नहीं, तो जब तक ये कल्चर अडॉप्ट नहीं होगा। लेकिन दूसरा ये है कि HEC, जैसे कारदार साहब ने कहा कि HEC ओवर रेगुलेट कर रहा है, आर्किटेक्चर में PhD की जरूरत नहीं है, तो वो कह रहा है कि PhDs होने चाहिए। सो वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी नहीं चल सकती। लेकिन सोल्यूशन HEC को खत्म करना नहीं है। अगर HEC को खत्म कर दिया तो जो है ये प्रेस्टन और अलखैर टाइप की यूनिवर्सिटीज जो है बेशुमार हो जाएंगी। दूसरी तरफ जो है हम ये है कि सेल्फ रेगुलेशन पे जा सकते हैं, लेकिन किसी हद तक आप देख लेंगे टीयर वन की बात हो रही है कि टीयर वन यूनिवर्सिटीज जो है वो मिलके कोई एसोसिएशन बना लें। मीडिया में एसोसिएशन मौजूद है, लेकिन मीडिया में क्या है, टीवी चैनल्स की जो है रेटिंग है वो ये एसोसिएशन कहती है कि एक सिंगल एंटिटी करेगी और कोई नहीं कर सकता। तो डिसेंट्रलाइजेशन को यूज भी किया जा सकता है और अब्यूज भी किया जा सकता है। तो सोल्यूशन प्रॉब्लम ये है कि HEC का रोल रिड्यूस करना है। ठीक है जी, आई एग्री टोटली agree. Nazeem, just one response to Adris very quickly. They came by default. In a sense, not in a manner that any one of us would like, but default. Because the federal government will not have the funding to finance all these institutions. So leverage, we don't know what HEC hoti hai, uske paas kya leverage hogi? That's the key now. Going forward, leveraging kya hogi? To be able to get those quality standards in place of the universities that remain. No, private sector ko chhod de ek second ke liye. So because that will now shift simply because of the fiscal situation of the federal government, ye shift by default hone laga hai, and people will have no choices left in that matter. Ye reality hai. Theek hai. Shaukat Hamid sahab. Very quickly, Shaukat sir, we're running out of time. Can you hear me? We can hear you fine, Ji Boliye. Well, sorry. He says, mute hua hai mera. Unmute hai, muted hai. Can you hear me now? Ji, you're fine. Shaukat sir, speak very quickly, Ji. Okay, I'll try and be as fast as I can. I was part of the 9-member group that set up the Higher Education Commission, which advised the government on what the HEC might be like. Sam, I don't have my sympathies. Well, I would agree with you entirely. And I had Atau Rahman, of course, became the first chairman. And he was keen on only one thing, more and more universities. And CompSats was a classic example until the Planning Commission had to tell them no more campuses. But this was you were also a member of the Planning Commission, so you're complicit. No, I wasn't complicit. In fact, if you have, let me correct you. I was opposed to getting a charter. It is, you do not set up single university, single subject universities. You do not set, you should have been, could have been stayed in the university itself and be part of a bigger campus. You know, so I oppose that, if you remember that. But anyway, and very rightly pointed out by our dear speakers, college education was critical. And one of the things I stressed was that while the universities are being set up, fine, we can have more, better universities, but college education must also go up. Because the knowledge worker now is not a PhD. Sorry, we are talking about HEC. Forget the strategy for education. I'm saying the HEC, what is the HEC for? I'm saying forget about more universities, no more universities, no more new universities, no more single department universities. Number one, let them, whatever we have, let them grow and evolve or fall into the wayside. Also, colleges you have, they are critical. The PhD is expendable. Is not part of the modern economy. It's not required by the nature of work, the changing nature of work or the workplace. We do not, and if you ask me the first choice, I'll give you an example because of that. This is advice I gave to a deputy chairman. He lost his job. Asif Ali was deputy chairman when I was the director of GIK, called me over and said, has anybody read Vision 2030? I said, no. Can I read it when I go to Lahore? I'm sorry, I'm taking a little time. I said, okay. He said, what do you want to do? One thing if I asked you, more PhDs? I said, no. Give people skills, make them employable. That is critical. That and then another factor about Recordec, which he took my advice and opposed the sucking of the TCC contract.
and 2 days later he was sacked by the Prime Minister. But coming back to the universities, thank you. There's a mad race. Let me bring in A.S. Rahman. A.S. Rahman, sir. Hello, Ji. Assalamu alaikum. This is Asima Rahman. I'm actually from a development organization. I've been working with the Higher Education Commission for a long time now, in the capacity of providing technical assistance to foreign universities, connecting APC and Pakistani universities with foreign universities. So what I really want to say is that, you know, HEC's Vision 2025, if you read that thoroughly, it seems to be an excellent document, a very well thought through, an excellent vision. There is a tier one university, tier two universities, that are huge, thoroughly explains the model and everything. But when it comes to implementation, I see a lot of system issues. System doesn't seem to be working at HEC and with universities across Pakistan. So I think my question to the panel is that, I mean, are we questioning the existence of an institution, or are we talking about how to strengthen that institution? I think is that a debate that we should be taking place right now, or should we looking at HEC as a standalone entity and disregard the technical and vocational education, basic education that really feeds into higher education? Can HEC be blamed as a standalone organization for all the ills that we see in the education strategy, in the education policy, in the implementation, in the budgeting of education, in the provincial and federal divide of it? I mean, how should we really be objectively and pragmatically be looking and criticizing productively to Higher Education Commission, and also be in a position to assist it to do a better job? So that is my question to the respected panel, especially from an organization that is really looking forward to help Pakistani universities and higher education system to grow and improve and be responsive to the market needs and private sector. There you are. We've got the development, international agencies telling us that HEC is necessary and that HEC must be helped to develop more, and that HEC needs more technical assistance. But I put it to you this way, folks, the panel, I'm returning to you. We've had 20 years of HEC, but a huge mushroom growth in brick and mortar. We have 200 universities. I don't know whether they're coming or going. We have no professors. 225. And we got 40% unemployment in the graduate sector. And we have no professors of any merit in any university. Our rankings are dropping. They're gaming the HEC system of numbers. HEC developed a Taylor system. I don't know whether you remember Taylor or not. Taylor was a system who tried to quantify everything and he failed. And we developed a quantification system where I know people who are publishing an article a day. How they are publishing in a paper, research paper a day, I don't know. Reza Sutpa has documented it, Tariq Rahman has documented it, the BNU ka Tariq Rahman, so many people have documented it. Why is HEC resistant to listening to leading intellectuals, Shanaz? If you think that HEC is made up of good people from provinces, etc., the key symbol that we have, why don't they listen to key intellectuals? Shanaz, why don't you sum up first and we'll go to the rest? I think from all our discussions, some things are very clear from the first session that you also had, that over-regulation from HEC has not produced any beneficial results, number one. So regulation needs to be rationalized. And I again would say, I would not use the word regulation alone, please call it standard setting. Let's have a standard setting approach, that's one. The second is that the structure of HEC, which is manned primarily, not by professionals and good top-notch, qualified people specialized in their areas, but is manned largely in the same way as a ministry or a department would be manned. So you have bureaucratic approach, and that needs to be changed. I think, again, that has been discussed. Thirdly, laying everything at the doorstep of the current HEC and saying right now the way the HEC is and the people who are sitting in the commission or the chairman or the recent chairman, that everything is the responsibility of the current HEC, that is also obviously not correct.
We need to definitely take a look at what has happened in the history of the HEC. And if we are saying that by throwing a lot of money into HEC, which happened in the first 10 years, and I know that I became the acting chairman of HEC for a period of 9 months, and I know how much money had been spent at that time in the first 8 or 9 years, where are the results for that money? That sort of question should be asked. Where are those? The HEC budget was increased by something like 400-500% at that time. So what happened to that? What is the result of that? And as you said, we're seeing the results. Why is it that we can't find a good professor, a good associate professor to recruit today? I have difficulty in Zavist, or my team, senior management team, has difficulty finding good people. And this whole issue of the numbers game, the large numbers of universities, just the numbers of research papers, the numbers of journals, we really have to move away from it. So let's look at what are the models that have shown that in this socioeconomic, political system, this ecosystem of Pakistan, which universities have been able to do well. That's what I would say. Take a look at the universities that are doing well. They're able to function. And if they are, use those models and try and develop other universities with the same sort of self-governance mechanism. And there are some universities that should not exist at all. They just should not exist. They do not meet any of the basic requirements of a university. Let them be institutes, teaching undergraduate institutes. That's what you need. You don't need universities everywhere. We have this obsession about a university without understanding what a university really should be doing. बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक. अर्शद साहब, आप थोड़ा समाप्त करें. मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ. मेरे पास कोई बंदा आता है नौकरी के लिए, अगर वो यूनिवर्सिटी मुझे दिखाता है, I am perfectly capable of judging this university की क्या value है. Why do I need HEC to tell me कि university की value क्या है? मुझे universities का मेरा ख्याल HEC से ज़्यादा पता है. मैं दावे से कह रहा हूँ. और मुझे HEC के attestation ना चाहिए, ना मुझे HEC का चाहिए कि क्या चाहिए. दूसरी चीज जो शनाज ने कहा कि किसी को ब्लेम ना करे, भाई हमने एक इदारा बनाया है, उसको हम ब्लेम ना करें तो क्या करें? इदारा एक कौम ने बनाया है, टैक्सपेयर ने पैसे दिए, टैक्सपेयर ने बिलियन रुपीज लगाए हैं, हंड्रेड बिलियन रुपए बल्कि ट्रिलियन लगाए हैं, तो उसको हम ब्लेम ना करें? शनाज, आई डोंट अंडरस्टैंड. आप मुझे बता दीजिए अर्शद साहब, क्यों ना हम HEC को ब्लेम करें? इसमें जो पहले आपने अटेस्टेशन की बात की, उसमें जिस वक्त ये अदारा बनाया गया था, उस वक्त जो क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज थे, उसकी वजह से ये अटेस्टेशन को सेंट्रलाइज किया गया था. अदरवाइज उससे पहले HEC की कोई सेंट्रलाइज्ड अटेस्टेशन इस तरीके से नहीं होती. स्टैनफोर्ड को आप टेस्ट करेंगे, हार्वर्ड को ये बिल्कुल गलत. आई 100% एग्री. आप टेस्ट करेंगे? नहीं नहीं, इक्विवेलेंस देंगे. टेस्ट नहीं करते, इक्विवेलेंस देंगे. पंजाब यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड की डिग्री को इक्विवेलेंस देती. मेरा मतलब ये क्या है? It is a joke. I 100% agree. It is a joke. और जो वहाँ पे अटेस्टेशन दे रहा होता है वो खुद BA होता है. और आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग, विच इज रैंक्ड अमंग द टॉप यूनिवर्सिटीज इन US. ये 44 रैंक पे आती है. बट देर वॉज ऑब्जेक्शन फ्रॉम अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान के भाई इसको इसकी डिग्री अटेस्ट क्यों नहीं हुई है. सो I was the executive director of HEC और मुझे वो डिग्री अटेस्ट करवानी पड़ी. सो कुछ जिस तरीके से मैडम शहनाज ने भी कहा और मैडम AS रहमान ने भी कहा, कुछ चीजें जो है ना हमारे सिस्टम के इश्यूज हैं विच नीड टू बी लुक्ड एट एंड एड्रेस्ड. उसमें अगर आप ये कहें कि इंस्टीट्यूशन को हम ब्लेम करें, इंस्टीट्यूशन तो अगेन लोगों से ही बना है ना, और उन लोगों ने वो करना है जो उनको मैंडेट देंगे, और वो मैंडेट HEC को कमीशन देता है. सो ये जो अटेस्टेशन का है, ये भी उस तरीके से आया गया था. और इसमें जनरली जो विच हैज बीन पुश्ड, ये जो विजन 2025 हुई थी, उसमें इट वाज पुश्ड के यूनिवर्सिटीज जिन जो टीयर वन की यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी डिग्री अटेस्टेशन शैल बी द यूनिवर्सिटी फंक्शन. उसको HEC को नहीं करना चाहिए.
और इसी तरीके से जो आपने ब्लेम का कहा, ये टियर वन में स्टैनफोर्ड आ जाती है, अरे अच्छा सब टियर वन में स्टैनफोर्ड आ जाती है, कैम्ब्रिज आ जाती है, हार्वर्ड आ जाती है, देखें टियर थ्री में जो जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं और वो दे हैव द रेपुटेशन, उसमें तो देर इज नो डाउट कि उनके नहीं होना चाहिए। मैं तो ऑलरेडी इस बात को कह चुका हूं और मैं इसका खुद विक्टिम हूं कि मेरी डिग्री अटेस्ट होने की वजह से मेरी तनख्वाह रुक गई थी बीइंग इन एचईसी। सो वो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि कुछ हमारे सिस्टम्स के फॉल्ट हैं और वो सिस्टम्स आर कनेक्टेड फ्रॉम जिस तरीके से वो अकाउंटेंट जनरल की ऑब्जेक्शन की वजह से वो था कि भाई इसकी डिग्री अटेस्ट हो। अब नाउ इट इज नॉट एचईसी रिक्वायरमेंट, इट वाज एडजुटेंट जनरल अकाउंटेंट जनरल रिक्वायरमेंट। सो इस तरीके से जो एचईसी के फंक्शंस को रिव्यू करने की जरूरत है कि उनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि एचईसी को करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, जो नहीं करने चाहिए दो शैल बी टेकन ऑफ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये डिग्री अटेस्टेशन ऑफ द रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज, अब आई शेयर विद यू वन एग्जांपल के एक डिग्री वहां पे एचईसी में आई वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के नाम से इशू हुई थी और वो कोई फेक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थी अमेरिका में ही, वो ऑनलाइन डिग्रियां इशू करती थी और उन एक कोने में उन्होंने लिखा हुआ था कि दिस इज द ऑनलाइन डिग्री। सो कुछ इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से कहीं वो पॉइंट होगा, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन जिसकी वजह से ये फॉरेन डिग्री को भी अटेस्ट करना शुरू हो गए, मुझे उसकी चूंकि क्लैरिटी नहीं है इस वजह से मेरा कॉमेंट उस पर करना ठीक नहीं है, बट आई 100% एग्री कि जो रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनकी डिग्री को उस तरीके से अटेस्ट करने की या इक्वलेंस देने की जितना कारदार साहब कह रहे हैं वो जरूरत ही नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली स्टूपिड और इस चीज को खत्म होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू ये है कि जो आपने ब्लेम का कहा उसमें जो पूरा हायर एजुकेशन सिस्टम है, बल्कि एजुकेशन सिस्टम है जिसका मैडम ए एस रहमान ने कहा कि असल में जो यूनिवर्सिटी लेवल पे लोग आते हैं वो कॉलेज और स्कूल एजुकेशन से आते हैं, अगर वो फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है तो वो यूनिवर्सिटीज दे कैन ऐड वैल्यू टू अ सर्टेन लेवल ओनली, और उसमें यूनिवर्सिटीज के अपने फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म्स होते हैं और उनके जरिए यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी होनी चाहिए और एचईसी को जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको डिफाइन करना चाहिए और उनको एडवाइज करना चाहिए, फैसिलिटेशन रोल में होना चाहिए, उनको कंट्रोलिंग मैकेनिज्म में नहीं होना चाहिए, और कंट्रोलिंग में वहां पे होना चाहिए जहां पे उनकी सीरियस वायलेशन हो रही है या उन स्टैंडर्ड्स को अब्यूज किया जा रहा है, जहां पे देर आर सर्टेन यूनिवर्सिटी जो उन स्टैंडर्ड जो एचईसी ने स्टैंडर्ड डिफाइन किया उससे भी ऊपर है, सो इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि उन यूनिवर्सिटीज में भी उन स्टैंडर्ड्स की एवेल्युएशन हो रही है, उसको बारीक बीनी से जाके देखा जा रहा है कि इनके प्रोफेसर पूरे हैं कि नहीं है, इनके जो रिसर्च पेपर पूरे हैं कि नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली स्टूपिड एंड एचईसी शैल नॉट इंडल्ज इनटू इट, रादर एचईसी शैल हैव द स्टैट्यूटरी एंड फंक्शनरी रोल इन फैसिलिटेटिंग द यूनिवर्सिटीज, जिस तरीके से मैडम शहनाज ने कहा कुछ यूनिवर्सिटीज हमारी इन इलाकों में ऐसे इलाकों में हैं which face serious challenges और उन वहां पे उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने की जरूरत है, so that is my comment। ठीक है, thank you very much अर्शद साहब, let me come to शाहिद कारदार। शाहिद कारदार, very quickly 2-3 points। One, देखे वो attestation की बात कर रहे थे, we'll find it very amusing। Last week, two universities wrote to us and said, we do not recognize the attestation by HEC. You write to us directly. Ye stage bhi aa gaya. Jo attestation ki ahmiyat hai, wo main aapko bata raha hoon last week. Because ek issue jo abhi Arshad saab ne highlight kiya, and I wanted to bring it, I'm glad he's mentioned it. One of the problems of quality really, and we are taking it very lightly,
is the poor foundation of people coming out of the schooling system. Asal masla wahan se shuru. Now you are expecting ke 12 saal ki bichare ki poor quality education hai. Waiz Rahman keh rahi thi ke ji unko main unko basic maths nahi aati. So mere kehne ka matlab you have to build, to imagine that universities, no matter how many of them, can build on those weak foundations and create some magical quality out of it in 4 years is really asking too much. So how we look at it, you know, as at a much more broader level in terms of a vision of education, ab ye political leadership kaise karegi, your guess is better than mine. Third point, wo Shiraz ne kaha ki jo kuch university hum band ho gayi thi. Now, is pe koi bahas hi nahi hai. Dekhna hai now, kuch private university hum by definition will close down. I mean, slowly die a natural death. What do you do with those universities in the public sector which have been set up politically above the ocean? So what is and to what extent can we start consolidating a huge battle? It's a huge challenge. Really, it is a challenge that we are taking very lightly. I mean, it will take God knows how many years. We have done to dal chuke, you know, committed the original sin of having these so many universities, and how do you do consolidation? Merger ho sakte hai, nahi, or God only. Finally, how do you revamp the HEC? HEC is not some corporate entity in the private sector. Can you spark a revamp? Again, a major, huge challenge. I think easier said than done. I'm not trying to make life difficult. All I'm saying is, unfortunately, हमने ये जो 20 साल में कर दिया हुआ है, you know, mending that, revamping it is easier said than done. Because जो आपने entitlements create कर दी हैं, because they are now public sector employees, उन entitlements को खत्म करना politically, and how you ease people out, attrition process we all know in government is very slow. Kaise hoga, I really don't know. It's a huge battle. And now, and finally, what has compounded this problem is this whole business of the fiscal situation of the federal government and the incentive structure of the provinces to want more and more universities. Until unless you transfer that to the provinces so they become responsible for financing, then I start wondering, agar ye hota hai, what is the leverage that the HEC would have to ensure quality, at least in the public sector universities, if the funding and the financing is coming through the provincial government. So these are challenges which we will face. It's a long haul as I see it. So I'll stop here. Thank you very much. Close. Also bring in Dr. Neelam Hussain of Grammar School. Dr. Neelam, aap bataiye aapka kya view is subject. We must get some views from outside the public sector system too. Well, I'm sorry, we've got two private universities, but let's have another view. Dr. Neelam Hussain, would you like to say something? Mic muted. Neelam, open your mic. जी, कैन यू हियर मी? जी, बिल्कुल, बताइए। जी, मैं आपको एक बात कहना चाह रही थी, which perhaps could encapsulate what everybody has said. You see, I run an institution and which I personally supervise from preschool to London University undergraduate program, postgraduate degree in education as well from London University, which I supervise, along with ACCA Gold, three programs, ACCA London, I partner with them. So I walk the journey from 3-year-olds to 21-year-olds. I'm looking towards research degrees in the future. Abhi aapne ek baat ki of the unpreparedness of students going through schooling into tertiary education, then into higher education, undergrad, say graduate degrees and PhDs.
having had a very varied educational journey, that leaves them totally unprepared for the end. One of the greatest advantages I feel I have at the moment is not only do my students get into Oxbridge and the Ivy Leagues, they also do tremendously well in the job market, having gone through a smooth run. Ab ye jo aa raha hai, single national curriculum, it is going to be the largest interruption in the journey that my personal experience of 40 years in education has given to me. It will further stunt the ability of a student in Pakistan to function not only in higher undergraduate and graduate and research degrees in the West, it will make them absolutely not fit for employment. One of the major things the World Bank has said again and again is that jo bhi hamari degrees hai in higher education, they do not capacitate a Pakistani student to work in either the local market or the international market. What private schools like my school, Lahore Grammar School, were doing is they were capacitating students to enter competitively through high SAT scores, through world positions, not only at A levels, but in the London University degrees that were given to us. अब एक वो रिकग्निशन पैदा हो रही थी उससे अगर हम ऊपर काम करें और नीचे से आप नेशनल करिकुलम कर देंगे तो हमारे स्टूडेंट्स भी इनकैपेसिटेट हो जाएंगे क्योंकि हमें कौन मॉनिटर कर रहा है द मिनिस्ट्री इन इस्लामाबाद एंड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियंस विद एजेंडास ऑफ इजी फिक्स व्हिच हैज बीन द रीजन व्हाई पाकिस्तान इज वेयर इट इज आपका ख्याल है ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनी है ये किसी पॉलिटिशियन ने नहीं कहा था कि मेरे इलाके में भी बनाओ बेशक तालीम है कि नहीं बिल्कुल यही था ग्रैब और आपको पता है कि फंडिंग द जीडीपी द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू गिव टू एजुकेशन इज अबिस्मल इज लाफेबल फॉर अ पॉपुलेशन आवर साइज फिर उसमें आप हायर एजुकेशन which is the most costly development in education, wo politicians are pulling out of the kitty for literacy. Humne apne global goals nahi meet kiye the literacy ke. Pakistan and some sub-Saharan countries have not achieved those goals. How can we even begin to talk of higher education? We are a largely illiterate nation. That is all I have to say. I think we have to look at education as a continuum from preschool to research degrees. Otherwise, you're not prepared to do it well here or join the race overseas. Thank you. Very good point, Chief. I think quite frankly, because there's nobody wants to speak from the panel, I'll just quickly sum up. I don't think we are ready to think holistically. I think we'd love to build institutions because they create jobs, they create power. And I think we love to build all kinds of regulations without understanding what regulation means. I will do a webinar on regulation. I don't think anyone, one of us knows what regulation means. We think regulation is good wishes and good thoughts. Unfortunately, good thoughts and good feelings don't make regulation. Regulation is a very complex job, is a very difficult job. And I'm afraid HEC has failed to do it. Finding money to build towers, build big campuses, send students overseas to various places. Very comforting, very nice. It's like giving heroin to a drug addict. Quite frankly, doesn't do anything. I agree with Shanaz, we failed miserably. We as a society, we as a people have failed miserably. And I agree with Shahid Kardar. Unfortunately, we've never had any deep thoughts. We are a country that doesn't require deep thoughts. We are a country that does not even cherish deep thoughts. So we'll continue to muddle along. We'll continue to think jobs. We'll continue to think giving public positions. We'll continue to think textbook boards. It's very sad. But we at PID will do a little bit to create a debate. We'll ask tough questions. Yes, we'll sound politically incorrect. We are politically incorrect. We want to be politically incorrect because we think it is time to be politically incorrect. It is time to ask tough questions. So thank you very much. We'll do a third webinar on this too, inshallah, and get more opinions. Thank you, folks. Thank you, Shahid. Thank you, Shanaz. Thank you, Dr. Arshad.
All the best, Ji. Khuda Hafiz. Tomorrow we are having a great webinar on electoral reform at 11 o'clock. Please join us. We'll be equally provocative in electoral reform. We think the system on electoral reform is not working. The election system is not working. It's only creating dynasties. Let us think out of the box. How do we move away from dynasties? We need your thoughts. We need your participation.